सो गुड मॉर्निंग ऑल. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो आज का क्वेश्चन है वो है प्लेटो वाज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी. पॉपर का ये अब भी रिसेंटली 2015 में ही पूछा है, ज़्यादा दूर का क्वेश्चन नहीं है. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यूपीएससी का ये वाले पार्ट पे कुछ ज़्यादा ही फोकस है. ठीक है, कौन सा वाला? एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी वाले पार्ट पे बहुत ही ज़्यादा फोकस है, तो ये अब लोग मिस नहीं कर सकते. तो अब इसमें अपने को ये बताना है कैसे कि हाउ प्लेटो इज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी. ये कौन बोलता है? पॉपर बोलता है. तो अब ये हम लोग कैसे बता सकते हैं कि पॉपर सही है या गलत है, या सच में इसका जो एम था इट वॉज टू क्रिएट एन एब्सोल्यूट स्टेट. बोल सकते हैं कि हम लोग ऐसा स्टार्ट कैसे करोगे? इस बार आपका वही वापस मैकेनिज्म नहीं चलेगा, दैट प्लेटो वांटेड टू मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट. ओके. ओके, और किसी को बताना है? हाँ, समीक्षा कैसे सोचोगे? बट कार्ल पॉपर वॉज अ क्रिटिक बताना है, सही है. हाँ आदिरा, ठीक है, वो सब पे तो आप आओगे. हाँ पीयूष, पॉपर का नहीं, पॉपर का इंट्रोडक्शन सही नहीं रहेगा. एक मिनट, मैंने सोचा था तुमसे बात करते करते बोल. प्लेटो वॉज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी. प्लेटो अच्छा इंट्रोडक्शन था. ओके. गुड. ठीक है, वो भी हो सकता है. हाँ, फासिज्म को इंट्रोड्यूस करके. तो यहाँ पे अगर मतलब एक तो हम लोग वापस वो ट्रेडिशनल मेथड ले ही सकते हैं, प्लेटो आइडियल स्टेट, और इस आइडियल स्टेट की वजह से वो एब्सोल्यूट पावर दे देता है, और वो एब्सोल्यूट पावर देने की वजह से कुछ फासिस्ट लोग जो है वो उससे इंस्पायर होते हैं, जैसे कि जर्मनी के फासिज्म में, जर्मनी के और इटली के फासिज्म में आपको सिमिलैरिटीज दिखेंगी. ओके, वैसे ही आपको कुछ पावर जो है वो इधर भी दिखेंगी कि वो सुपरमैन में बिलीव करता है, रेजिमेंटेड सोसाइटी में करता है, एंड बाद में फिर कार्ल पॉपर जो है मेनली तीन ग्राउंड्स पे उसको, चार ग्राउंड्स पे उसको एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी होता है. कौन कौन से है नीतीश? हेटेड डेमोक्रेसी, फिर ओके एक मतलब बोलता है होलिज्म, मतलब उसको सब कुछ पता है और स्टेट जो है वो प्रायर टू इंडिविजुअल है, दूसरा इसेंशियलिज्म, ओके, और तीसरा वैसे है. तो हाँ, मेरा जो इंट्रोडक्शन था मैं ऐसे करने की सोच रहा था कि कॉन्ट्रेरी टू द हाई हेल्ड ओपिनियन अबाउट प्लेटो, हम लोग हर बार जो बोलते हैं कॉन्ट्रेरी टू हाई ओपिनियन अबाउट प्लेटो, ओके, पॉपर सेड दैट प्लेटोज पॉलिटिकल प्रोग्राम वॉज फार फ्रॉम मॉरली बींग सुपीरियर. समझ में आ रहा है? सो वो भी एक मेथड ऑफ इंट्रोडक्शन हो सकता है. दो आपके पास मेथड है, आप इसको भी चूज कर सकते हो कि आप पॉपर से शुरू करो या फिर आप वापस प्लेटो से भी शुरू कर सकते हो. बट मैं यहाँ पे ये सिग्निफाई करना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग आज तक हर बार प्लेटो को क्या समझता है, एकदम महान समझते हुए, बट पॉपर वॉज द फर्स्ट पर्सन, ओके,
जिसने पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग ही हमारा प्लेटो के बारे में चेंज कर दिया, तो वो भी एक इंट्रोडक्शन हो सकता है. ओके, सो कॉन्ट्रेरी टू द हाई हेल्ड ओपिनियन अबाउट प्लेटो, कार्ल पॉपर सेज दैट प्लेटोज पॉलिटिकल प्रोग्राम वॉज फार फ्रॉम मॉरली बींग सुपीरियर. ओके, ही इक्वेट्स प्लेटो विद द फर्स्ट फासिस्ट, और ही कॉल्स प्लेटो एज अ फर्स्ट फासिस्ट इन हिज बुक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज. ओके, फॉर दिस देर वर फॉलोइंग रीजन्स. ओके, वन इज ही हेटेड डेमोक्रेसी, प्लेटो हेटेड डेमोक्रेसी. सेकेंड इज होलिज्म, फिर इसेंशियलिज्म एंड फिर हिस्टोरिसिज्म. तो ये तीन आप लोगों ने, ये चार आपने पॉइंट लिख दिए. उसके बाद में आप लोग बता सकते हो आगे कि इवन एंड देर वर ऑल्सो सर्टन सिमिलैरिटीज, ओके, विद फासिज्म एंड प्लेटोज पॉलिटिकल प्रोग्राम. तो जैसे एब्सोल्यूट पावर देके रखे थे इसने किंग को, वैसे उसने, हाँ, एब्सोल्यूट पावर देके रखे थे, रेजिमेंटेड सोसाइटी बना के रखी थी, ठीक है. तो इसलिए फिर बाकी के भी इज़ाइया बर्लिन जैसे भी जो थिंकर्स है, सो इवन दे एग्री कि यस, प्लेटो जो है तो ही वॉज एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी. समझ में आ रहा है? आर यू विद मी? फिर फाइनली आपको इसमें किसको लेके आना है? रोनल्ड बी लेविंसन को. रोनल्ड बी लेविंसन क्या बोलता है? दैट यू कैन नॉट कंपेयर इनकम्पेरेबल्स, यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. तो आप लोगों को वो नहीं करना होगा. फिर ये आगे जाने के बाद में बताता है, ओके, कि बट स्टिल देयर इज सम एलिमेंट ऑफ ट्रुथ इन द स्टेटमेंट्स ऑफ पॉपर. ठीक है, तो ऐसा हम लोग फाइनली लगा सकते हैं कि वेदर प्लेटो वॉज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी और नॉट, इट इज डिबेटेबल. ऐसा आप लोग फाइनली कंक्लूड कर सकते. किसी को और कुछ ऐड करना है? नहीं, ठीक है. गिल्बर्ट रायल को लेके आना है तो लेके आ सकते हो. कि आप इसमें अब बताओगे कि पॉपर का क्या सिग्निफिकेंस है, तो पॉपर का सिग्निफिकेंस गिल्बर्ट रायल बताता है. गिल्बर्ट रायल बताता है कि बाबा पॉपर का जो भी है वो सब उसने अंडरस्टैंडिंग ही चेंज कर दिया प्लेटो के बारे में. हाँ हाँ, कर सकता है. मतलब समझो तुम कोई एक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, बट तुम्हारा कोई दोस्त है वो भी तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, तो चलेगा ना? वैसे ही सिंपल. ठीक है, एक फटाक से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या लिया हमने. फिर आज अपने को स्टार्ट करना है एरिस्टोटल. लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ से स्टार्ट किया? सॉरी, नहीं, 250 वर्ड्स में बैठ जाएगा. कॉन्सेंट्रेटेड लिखोगे तो बट एज आई सेड यू डोंट. हाँ, मैंने सिर्फ नाम बोल रहे तुमको लिखने के लिए. आई नहीं, एज आई सेड, ओके, दीज आर जस्ट कीवर्ड्स एंड यू जस्ट नीड टू मेंशन देयर नेम, दैट्स इट. अगेन पॉलिटिकल साइंस में हम लोग आगे देखेंगे दैट तुमको कंसेप्ट समझ में आ गया ना, व्हाट इज ओरिजिनल पोजीशन जॉन रॉल्स में. तो सिर्फ अगली बार तुमको ओरिजिनल पोजीशन लिखना है, अनलेस तुमको एक्सप्लिसिटली पूछा है कि एक्सप्लेन व्हाट इज ओरिजिनल पोजीशन. ठीक है, सो वी स्टार्टेड विद प्लेटो एज फर्स्ट फासिस्ट. तो हम लोगों ने अलग अलग देखा है, इवैल्यूएशन कर रहे थे हम लोग प्लेटो का. प्लेटो का इवैल्यूएशन कैसे कैसे किया हुआ है हम लोगों ने. वी फैन बंद कर दो सारे, सब सब सब. सो हम लोगों ने इवैल्यूएशन ऑफ प्लेटो स्टार्ट किया. सबसे पहले हम लोगों ने प्लेटो को क्या बोला? सबसे पहले वी इवैल्यूएटेड हिम एज द फर्स्ट कम्युनिस्ट. तो वो कम्युनिस्ट है क्या फर्स्ट? ओके, तो उसके लाइन पे हमने देखा, क्योंकि उसने क्या क्या बोला था? कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी. फिर उसके बाद में हमने देखा एज अ फर्स्ट फेमिनिस्ट. व्हाई? बिकॉज ही हैड गिवन, ओके, राइट्स टू वुमन, इक्वल राइट टू वुमन टू पार्टिसिपेट इन टू द पब्लिक अफेयर्स. ठीक है, इसलिए फ्यू पीपल आर्ग्यूड दैट ही वॉज द फर्स्ट फेमिनिस्ट. बट हम लोगों ने बाद में उसको क्रिटिसाइज भी किया दैट हिज पॉलिटिकल एजेंडा, ओके, हिज पॉलिटिकल एजेंडा वॉज टू मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट एंड नॉट टू एंड द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमन. दैट इज वाई ही
Whether he can be called as first feminist or not, it is debatable. Then we saw Plato as the first fascist or Plato as enemy of open society. तो हमने फासिज्म के कुछ ट्रेट्स देखे. सो फासिज्म के ट्रेट्स क्या है? तो सोसाइटी जो है वो आपकी क्लोज रहेगी हर बार. क्लोज कैसे होगी? तो टोटालिटेरियन स्टेट होगा. ठीक है, टोटालिटेरियन स्टेट क्या होता है? जिसमें सिटीजन्स को फ्रीडम ही नहीं होते. जब वो प्लेटो जो है, जब फैमिली का भी कम्युनिज्म कर देगा, कौन किससे शादी करेगा ये भी डिसाइड स्टेट करेगा. डू यू थिंक पीपल हैव एनी राइट? आंसर इज नो. सो यू आर सैक्रिफाइसिंग इंडिविजुअल फॉर द सेक ऑफ स्टेट. फासिस्ट जो है, दे बिलीव इन द सुपरमैन. ओके, प्लेटो यूज टू बिलीव इन द फिलोसोफर किंग. तो वो फिलोसोफर किंग के पास में सुपरमैन क्वालिटीज है. क्या सुपरमैन क्वालिटीज है? उड़ सकता है क्या? तो उसके पास एब्सोल्यूट पावर्स है. बोलता है कि उसके पास नॉलेज है, उसके पास रीजन है, और रीजन के वजह से वो जो करना चाहे वो कर सकता है. अगेन, फासिस्ट लोग जो है वो क्या करते हैं? सोसाइटी को डिवाइड करते हैं कि ये ज्यूज है और हम लोग जो है वो क्या रेस बोलते थे? आर्यन रेस. कि हम लोग आर्यन रेस को बिलोंग करते हैं. समझ में आ रहा है? तो ऐसे अगेन यहाँ पे भी इनका सब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू. और ये भी क्या करता है? रेजिमेंटेड सोसाइटी बनाता है. रीजन, करेज एंड एपेटाइट वाले तीन क्लासेस बनाता है. इसलिए फिर कार्ल पॉपर ने, या बाकी इजाई या बर्लिन ने, और क्या नाम था उसका, रसेल बर्ट्रांड. ओके, तो ये सब तीनों थिंकर्स जो कि लिबरल थिंकर्स है, वो बोलते हैं कि प्लेटो जो है तो वो एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी है. ठीक है, फिर अगेन आगे जाने के बाद में वापस से ओके पॉपर ही आगे कंटिन्यू करता है. वो चार फैक्टर्स बताता है क्यों प्लेटो जो है वो एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी. फर्स्ट है कि वो बोलता है कि प्लेटो यूज टू हेट डेमोक्रेसी. ओके, बट अगेन, अब कार्ल पॉपर का क्रिटिसिज्म सही है क्या? मैंने आपको बताया, टाइम एंड स्पेस देखो. उसके टाइम पे एक्चुअल में डेमोक्रेसी जो है वो गड़बड़ वाला ही काम था. इट वॉज रूल ऑफ इग्नोरेंस. ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में वो उसको क्रिटिसाइज कर रहा है. तो वन, ही यूज टू हेट डेमोक्रेसी. सेकेंड, ही बिलीव्ड इन होलिज्म. वट इज होलिज्म? दैट होल इज प्रायर टू द पार्ट. ओके, होल इज प्रायर टू द पार्ट. मतलब क्या? कि जो बड़ी एंटिटी है वो हर बार छोटे एंटिटी को निगल लेगी. मतलब स्टेट इज प्रायर टू द इंडिविजुअल, ये उसका बोलना है. सेकेंड था इसेंशियलिज्म. सो प्लेटो यूज टू नो, और प्लेटो यूज टू से दैट आई नो द इसेंस. कि इसका इसेंस क्या है? तो जो भी ऐसा इसेंस क्लेम करता है, मतलब क्या? इज नॉट ओपन फॉर द फॉल्सिफिकेशन. वट इज फॉल्सिफिकेशन? कि इसको आप झूठा नहीं ठहरा सकते हो फिर. ठीक है, एंड थियरी विच इज नॉट ओपन फॉर फॉल्सिफिकेशन कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ साइंटिफिक थियरी. अगला, लास्ट वाला जो है वो है हिस्टोरिसिज्म. सो वट इज हिस्टोरिसिज्म? सो इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट इट इज पॉलिटिकल यूज ऑफ हिस्ट्री. ओके, मीन्स वॉट? दैट यू हैव ऑलरेडी डिफाइंड योर एंड. कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, हिस्ट्री कैसे मूव करेगी. तो बताता है कि देखो ऐसे ही मूव करने वाली, सो प्लीज ओके फॉलो माय पॉलिटिकल आइडियाज. तो इसलिए उसको एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी बोलते हैं. फिर रॉनल्ड बी लेविंसन उसके डिफेंस में आता है. वो बोलता है कि ऐसा नहीं है. उसका टाइम अलग था, अपना टाइम अलग है. उसके टाइम में वो जो बता रहा था वो उसके टाइम के लिए सही हो सकता है. ठीक है, तो उसको बार बार आप ऐसे मत बोलो कि ही वॉज ओपन सोसाइटी ऑफ एनिमी और नॉट. और बट स्टिल वो एग्री करता है कि कुछ एलिमेंट जो है, बिकॉज फासिस्ट गवर्नमेंट जब आने लगी, कोई भी देखो जैसे इवन आप अभी बीजेपी का देखो. ओके, तो बीजेपी जो है, अब उनकी प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज पार्टी जो है वो 1980 में बनी हुई है बीजेपी. इसके पहले जनसंघ हुआ करता था, पर वो जनसंघ का और इनका डायरेक्ट लिंकेज कुछ नहीं है ना. तो इन्होंने जो पार्टी बनाई है, अब उनको क्या करना है कि इवन व्हेन देयर इज इलेक्शन, सो दे वांट टू टेल यू दैट हाउ इवन वी हैव आवर ओरिजिन इन द इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी हमारा ओरिजिन कैसा है. इसलिए फिर क्या करना है, एक आधे लीडर को ले लो और अपना बना लो. अब सरदार पटेल को कांग्रेस तो कुछ बोलती नहीं है, और इन्होंने अब सरदार पटेल को अपने से एसोसिएट कर लिया है. समझ में आ रहा है? फिर ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस को धीरे धीरे ले लो. फिर अभी गांधी पे उन लोगों ने अटैक शुरू किया हुआ है, धीरे धीरे गांधी को भी निकाल के अपने पास ले लेंगे मे बी. तो हर कोई जो है वो अपना ओरिजिन जो है वो एक बेस्ट आइडियाज में, जैसे अभी की पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या होगा कि वो फ्रीडम स्ट्रगल में दिखा दे कि हम लोग कैसे इन्वॉल्व थे. फ्रीडम स्ट्रगल में हम लोग भी इन्वॉल्व थे, ऐसा तुम दिखाना चाहते हो. वैसे ही ओके, अगर कोई नाजी है या कोई फासिस्ट है
वो अगर दिखाना चाहता है कि भाई मेरा ओरिजिन जो है वो आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में पहले ही दिखेगा. सो हाउ डू दे ट्रेस देयर ओरिजिन? सो दे से लुक एट द प्लेटो. व्हाट डज प्लेटो यूज्ड टू से? और व्हाट प्लेटो यूज्ड टू से? प्लेटो यूज्ड टू से दैट इंडिविजुअल जो है, जो भी फिलोसोफर किंग होगा, अगर उससे रूल कर लो तो यू कैन गिव एब्सोल्यूट पावर टू द फिलोसोफर किंग एंड देर इज नो पॉइंट ओके इन पुटिंग रेस्ट्रिक्शन थ्रू रूल ऑफ लॉ और थ्रू लॉज, बिकॉज लॉज रिप्रेजेंट्स ऑर्डिनरी विजडम और एवरेज नॉलेज, वाइल दिस फिलोसोफर रिप्रेजेंट्स सुप्रीम नॉलेज. तो उन्होंने भी उसी से आइडिया ली, इसीलिए फिर इसको बोलते कि देखो, इसीलिए ये जो है ये फासिस्ट है करके. फाइनली हम लोगों ने फिर गिल्बर्ट रायल के बारे में बोला है कि जैसे प्लेटो को क्रिटिसाइज किया कार्ल पॉपर ने, कार्ल पॉपर को क्रिटिसाइज किया गिल्बर्ट लेविनसन ने, अब लेविनसन और इन दोनों के बारे में भी ये बता रहा है कि देखो भाई तुम्हारा जो भी था ओके कुछ भी हो, प्लेटो था नहीं था वो हम लोग उस पर एग्री हो नहीं हो, बट इतना पक्का है अभी दैट आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्लेटो और वॉट एवर वी यूज टू थिंक अबाउट प्लेटो हैज नाउ कम्प्लीटली चेंज. वी यूज टू थिंक कि प्लेटो जो है वो मॉरली बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, बट अब हम लोग कहीं ना कहीं मानते भी है कि प्लेटो जो है वो फासिस्ट गवर्नमेंट के आने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. तो जैसे हम लोग हर बार बोलते हैं कि पॉलिटिक्स की स्टडी कैसे होती है, थेसिस, एंटीथेसिस और वापस से सिंथेसिस. तो अगेन इसमें भी देखो, प्लेटो उसने अपने आइडियाज देके रखे हुए, प्लेटोस को क्रिटिसाइज करने के लिए कौन है? पॉपर ओके. बट अगेन प्लेटो और पॉपर का क्रिटिसिज्म देने के लिए कौन है यहाँ पे, या इनका वापस से क्रिटिसिज्म देने के लिए कौन है? यहाँ पे अपना लेविनसन है. ठीक है, लेविनसन और गिल्बर्ट रायल, वापस से इन लोगों के आइडियाज से अपना फिर फाइनल आंसर आता है. समझ में आ रहा है? तो ये डायलेक्टिक्स वाला मेथड इवन अपने आंसर में यूज करना है. ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आई थिंक उसके बाद में. हाँ, एक और चीज हमने देखी, प्लेटोज प्लेस ओके इन द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स. क्या है प्लेटोज प्लेस इन द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट? एक मिनट अभी एक जन से पूछते हैं. हाँ रजिया बोलो. प्लेटो इज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी ओके, दिस इज द प्लेस ओके. समीक्षा ठीक है, वो एक अच्छा स्टेटमेंट है. ठीक है, तो हमने तीन चार स्टेटमेंट पहले ही लिख लिए थे, उसी को घुमा फिरा के बस आंसर में यूज करना है. एक और हम लोग आज देखेंगे एरिस्टोटल में. मैं आपको चार पांच स्टेटमेंट दूंगा और वो चार पांच स्टेटमेंट पे से एक स्टेटमेंट क्वेश्चन बन जाएगी और वो चार पांच स्टेटमेंट जो है उन्हीं को वापस घुमा फिरा के आंसर लिखना है. तो अपने यहाँ पे यही करना है कि अच्छे अच्छे की तीन चार स्टेटमेंट्स रखो अपने पास, उन्हीं को बस घुमाते रहो और आंसर लिखते रहो. एग्जामिनर को लगना चाहिए बच्चा बड़ा एकदम थॉट प्रोसेसर है, मतलब एकदम थिंकर लग रहा है, क्योंकि देखो कैसे कैसे आइडियाज दे रहा है ये. ठीक है, उनको पता नहीं सब कुछ एक ही जगह से उठाया हुआ है. सो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी आइडियाज दिए थे. एक तो है अल्फ्रेड व्हाइटहेड का, उसने क्या बोला था? एंटायर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इज नथिंग बट फुट नोट टू प्लेटो एंड एरिस्टोटल. फिर उसके बाद हमने देखा था राल्फ इमर्सन क्या बोलता है? दैट प्लेटो इज फिलोसॉफी एंड फिलोसॉफी इज प्लेटो एंड द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ प्लेटो दैट इज इन मॉडर्न क्रिटिक ओके कौन? कार्ल पॉपर. सो कार्ल पॉपर यूज टू से वन कैन बी प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट वन कैन नेवर बी नॉन प्लेटोनिक. ये तीन स्टेटमेंट्स हैं. बस जब भी वेस्टर्न आया, मतलब क्या पोजिशन है उसकी, तो ये जब भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें ये तीन ही स्टेटमेंट को वापस से घुमाना है और वही बतानी है अपने को. तो अगर समझो इसमें से ये आ गया कि वन कैन बी प्लेटोनिक और नॉन प्लेटोनिक बट कैन नॉट बी एंटी प्लेटोनिक, एक्चुअल में ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, तो उसमें वापस से वही लिखना है आपको कि दिस स्टेटमेंट ओके रिप्रेजेंट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेटो इन द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और प्लेस प्लेटो इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट. सो प्लेटो गेव एम्फेसिस टू द फिलोसॉफी एंड ही अगेन brought it back from the sophist philosopher या sophist लोगों से उसने political science को थोड़ा सा बचाने की कोशिश की या political philosophy को बचाने की कोशिश की और उसने अपने जो भी ideas दिए हैं फिर हर कोई thinker जो है वो उसी के आगे बता रहा है. तो from starting from Plato, तो Plato के ही tradition आज अगर हम लोग देखें तो John Rawls और even Amartya Sen तक लोग believe कर रहे हैं उसी में या उसी के या तो prose में argument दे रहे हैं या फिर उसके cons में argument दे रहे हैं. इसीलिए Alfred Whitehead ठीक है. और इतना ही नहीं, तो लोगों ने तो इतना तक बोल दिया है कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ पॉलिटिकल प्लेटो
in political philosophy that philosophy is Plato and Plato is philosophy. ये वाला statement तक मार दिया, okay? और जो biggest critics है, उन लोग भी even इसको recognize करते ही हैं, okay? तो यहाँ पे फिर हमारा Plato खत्म होता है, तो हमने सारे evaluations देख लिए, Plato देख लिया, अब हम लोग आज जो नया thinker देखने वाला है, वो है Aristotle. By the way, मैंने एक चीज बताई नहीं थी, वो बता देता हूँ. Plato ने अपनी एक academy खोली थी, सिखाने के लिए. उसका नाम क्या था पता है क्या किसी? उसके एकेडमी का नाम ही एकेडमी था. ओके, तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, मुझे लगा कि मे बी ये जो अन एकेडमी जो खोला हुआ है ना, तो मे बी उन लोग wanted this to make it happen कि हम लोग जो है वो प्लेटो के अगेंस्ट वगैरह जाए, ऐसा मैं मानता हूँ, पता नहीं, कभी कंफर्म नहीं किया, अगली बार जब रोमन सही नहीं मिलेगा तो पूछूंगा. सो उसकी एकेडमी का नाम एकेडमी था, इसलिए आजकल हर कोई एकेडमी खोल रहा है, हर कोई बता रहा है कि हम लोग जो है वो कौन है, प्लेटो है और तुम सब हमारे शिष्य हो करके. ओके, बट मैंने आपको बताया एरिस्टोटल जो है, तो एरिस्टोटल एकेडमी में सीखा हुआ था प्लेटो के पास में. अब उसके थोड़ा सा उससे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ से बिलोंग करता है. तो वो मैसेडोनिया से बिलोंग करता है. तो मैसेडोनिया वॉज ऑल्सो वन ऑफ द सिटी स्टेट. तो सिटी स्टेट क्या होते थे, मैंने आपको बताया. ओके, दीज वर द सेल्फ सफिशियंट यूनिट ऑफ गवर्नेंस. ओके, तो समझो ये मैसेडोनिया है, उसके नीचे जो है एक कुछ तो थैसेली या ऐसे कुछ नाम था. ओके, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. उसके नीचे जो है वो ऐसे एथेंस हुआ करता था, और इसके नीचे जो है यहाँ पे कहीं तो स्पार्टा हुआ करता था. तो अगर आप उस टाइम का थोड़ा सा ग्रीस देखो उस टाइम का, तो आपको ऐसे सब कुछ डिवाइडेड दिखेगा. अलग अलग जो एरियाज थे वो सिटी स्टेट में डिवाइडेड थे. वैसे ही हम लोगों ने 300 मूवी में देखा हुआ है. 300 मूवी में ये स्पार्टा किसके अगेंस्ट लड़ रहा होता है? पर्शियन एम्पायर. ओके, तो यहां से ये पूरा जो है ये सारा पर्शियन एम्पायर हुआ करता था. तो इस तरफ पर्शियन एम्पायर, यहाँ पे स्पार्टा, एथेंस, फिर एक थेसली या एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर द नेम, और मैसेडोनिया. तो प्लेटो तो चलो एथेंस का था. ओके, प्लेटो एथेंस से था. एरिस्टोटल जो है वो मैसेडोनिया में बॉर्न हुआ था. ओके, इवन उसके फादर जो थे, तो मैं बता रहा हूँ आपको, पहले हिस्ट्री में आपको या किसी भी थिंकर के लिए आपको पहले उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, बिकॉज तुम्हारे घर पे क्या नर्चर तुमको मिलता है, ओके, उसी पे तुम्हारे थॉट प्रोसेस भी आगे डेवलप होते हैं. अगर किसी के पेरेंट्स कंटिन्यूसली लड़ाई करते रहेंगे तो उसको भी आगे क्या लगेगा कि शादी करके कोई मतलब ही नहीं है. तो या फिर अगर कंटिन्यूस अगर भाई बहनों के साथ झगड़ा है, तो ऐसे ही मुझे बताना है कि नर्चर जैसा रहेगा वैसे ही आपकी थॉट प्रोसेस बनते जाती है. तो मैसेडोनिया से एरिस्टोटल बिलोंग करता था, और उसने जो है, उसके फादर जो है वो क्या थे, वो फिजिशियन थे. फिजिशियन मतलब डॉक्टर थे. कहाँ पे? मैसेडोनिया के कोर्ट में. तो डॉक्टर थे, तो इसलिए जब एरिस्टोटल जब बड़ा हो रहा था, तो तभी से उसको ये सब एकदम साइंटिफिक चीज़ें जो है वो उसके बारे में नॉलेज जो है वो पहले से ही मिल रहा था उसको. तो जैसे बायोलॉजी, उसके एक्सपेरिमेंट्स और कुछ है. तो फिजिशियन था उसका फादर, तो वो भी कुछ दो तीन चीज़ें वगैरह दिखाता था. तो अब अगर आप लोग बायोलॉजी वाले से किसी से मिलो, तो आपको पता चलेगा कि बायोलॉजी में आपको बहुत सारे क्लासिफिकेशन वगैरह करने होते हैं कि ये प्लांट है, ऐसा है, वैसा है, ये इसमें ऐसा. तो फिर उन लोग कंपेरेटिव स्टडी भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और उन लोग ऐसे साइंटिफिक अप्रोच भी बहुत सारा रखते हैं कि कुछ अगर उसको देखना है तो उसको थोड़ा उगाया, फिर उसके बाद वो नहीं हुआ, ठीक है, उसने कुछ तो नोट डाउन वगैरह किया. तो इसीलिए उसके अप्रोचेस में भी आपको फिर वो देखने को मिलेगा कि वो कंपेरेटिव अप्रोच करेगा, वो साइंटिफिक अप्रोचेस लेके आने की कोशिश करेगा. इसीलिए ये इसको हम लोग किसका फादर बोलते हैं? पॉलिटिकल साइंस का, और उसको पॉलिटिकल फिलोसफी का, बिकॉज प्लेटो यूज टू वेंचर इन द फील्ड ऑफ और इन द डोमेन ऑफ आइडियाज. नाउ ही विल वेंचर इन टू द आइडियाज ऑफ एम्पिरिसिज्म, मतलब जो रियल है उसी को वो पढ़ाई कर रहा है, उसके बेसिस पे वो कुछ आइडियाज बनाएगा अपना, कुछ ना कुछ लिखेगा. समझ में आ रहा है? तो ऐसा एक फर्क आपको पक्का मिलेगा. फिर
ये एरिस्टोटल जो है धीरे धीरे प्लेटो के एकेडमी में भी आया था पढ़ने के लिए. ओके, तो यहाँ पे उसने उसके एकेडमी में सीखा बहुत कुछ. फिर उसको लगा कि ये तो इसने जो बोला है वो सब सही है, बट मुझे लगता है कहीं पे करेक्शन करने की भी ज़रूरत है. ओके, वट एवर द प्लेटो टॉट. ओके, तो वो सब सही है बट कहीं कहीं पे करेक्शन भी करने की ज़रूरत है. सो ही यूज़ टू से, ओके ही यूज़ टू से दैट प्लेटो इज़ माई फ्रेंड, प्लेटो इज माई फ्रेंड बट ट्रूथ इज इवन बिगर फ्रेंड. ठीक है, वाह वाह. फिर उसने बोला कि इसके आइडियाज मुझे कुछ जम नहीं रहे. सो फाइनली वो वापस से गया यहाँ पे और उसने खुद की एकेडमी खोली. ठीक है, और उस एकेडमी का नाम दिया उसने लाइसियम. और फिर ये एकेडमी से सीख के ही उसने लाइसियम खोली और लाइसियम में फिर वो ट्रेन कर रहा था और अलेक्जेंडर जो है वो वहीं पे ट्रेन हुआ. फिर समझ में आ रहा है? तो ऐसे एक हम लोग अगर ब्रीफ बैकग्राउंड अगर देखने की कोशिश करें तो अपने को ऐसे समझ में आएगा कि एरिस्टोटल क्या था और कौन था. ठीक है, अब टाइम जो है वो लगभग प्लेटो से ही मिलता जुलता है, बट इज ही सोक्रेटिक और सोफिस्ट? क्या लगता है, सोक्रेटिक ट्रेडिशन को बिलोंग करेगा या सोफिस्ट ट्रेडिशन को बिलोंग करेगा? गलत, वो सोक्रेटिक ही ट्रेडिशन को आगे लेके जाता है. समझ में आ रहा है? मतलब क्या, तो वो भी मानता है कि हम लोग जो है वो एकदम मनी पावर करप्शन इन सब में वो बिलीव नहीं करता. वो भी चाहता है कि आइडियल स्टेट ही बने, बट उसका सिर्फ बोलना है कि आइडियल स्टेट जो तुम बनाने जा रहे हो ना उसमें गड़बड़ है. वो बोलता है कि तुम जो सिर्फ एक फिलोसोफर किंग के हाथ में जो पावर दे रहे हो वो पूरा का पूरा गड़बड़ वाला काम है. वो बोलता है कि बेस्ट रूल कौन सा है, तो रूल ऑफ मिडिल क्लास सबसे बेस्ट रूल है. ठीक है, तो वो हम लोग आगे उसकी जब उसकी थियरी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम देखेंगे तब अपने को समझ में आएगा. तो बोलता है मिडिल क्लास का रूल सबसे बेस्ट रूल है. क्यों? क्योंकि पुअर भी उनको ट्रस्ट करता है, रिच भी उनको ट्रस्ट करता है. सोफिस्ट लोग तो सीधा मानते हैं कि जो रिच लोग हैं उन्हीं ने जाना चाहिए, और दूसरी बात अगर किसी को रिच बनना है तो पॉलिटिक्स में जाना चाहिए. तो ही बिलोंग्स टू दिस सोक्रेटिक ट्रेडिशन. सोफिस्ट लोग जो है उनका क्या बोलना है कि भाई इंडिविजुअल इज प्रायर टू द स्टेट. वो बोलते हैं कि इंडिविजुअल जो है उसको अपने अपने राइट्स मिले. स्टेट हम लोग बनाए क्यों है? स्टेट हम लोगों ने आर्टिफिशियली बनाया हुआ है. किस लिए बनाया? बिकॉज अपने को सारी मेरी नीड्स जो है फुलफिल नहीं हो सकती, स्टेट जो है मुझे प्रोटेक्ट वगैरह करेगा, इसलिए मैंने स्टेट बनाया. तो आई एम प्रायर टू द स्टेट एंड नॉट स्टेट इज प्रायर टू मी. बट ये सोक्रेटिक ट्रेडिशन का ये इवन ही बिलीव्स दैट स्टेट जो है वो हर बार प्रायर रहेगा इंडिविजुअल से. तो इनफैक्ट उसका एक आगे बहुत अच्छा स्टेटमेंट भी है. ओके, इट इज़ फॉर द गुड लाइफ दैट स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूज फॉर द गुड लाइफ. मतलब स्टेट बनता भी इसीलिए है और कंटिन्यू भी इसीलिए करता है, सो दैट पीपल कैन हैव गुड लाइफ. ठीक है, चलेगा. तो अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह लिख लो. चाहो तो अपने 1/3 स्पेस में ऐसी कोई डायग्राम वगैरह बना दो ताकि तुमको याद रहे कि लाइसियम कहाँ था और क्या था. एरिस्टोटल का टाइम है 384 BC टू 322 BC. ठीक है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं उसका पहले. तो इसकी खुद की वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में इसकी खुद की प्लेस क्या है? दैट ही इज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. तो लिख लो, ही इज नोन और एरिस्टोटल इज नोन एज
father of political science. Aristotle is known as father of political science. He belonged to Stagira, which is situated in Macedonia. Stagira yaad nahi aaya, Macedonia likha to bhi koi problem nahi hai. He belonged to Stagira, bracket mein likh lo Macedonia. His father was physician in the court of Macedonia. Aristotle had joined Plato's Academy. Next paragraph se likho. Aristotle is known as greatest disciple of Plato. Disciple matlab shishya. Disciple of Plato, as well as biggest critique ko inverted quotes mein dal ke underline kar do, aur waise hi greatest disciple ko bhi inverted quote mein dal ke underline kar do. He used to say, inverted quotes mein, Plato is my friend, but truth is, bigger friend than Plato. Truth is bigger friend than Plato. Next paragraph mein, Aristotle had studied 158 constitutions. Okay. And gave his theory of constitution. That is why he is also called as father of comparative politics. Next paragraph. Aristotle founded his own school, which was named as Lyceum.
ओके नेक्स्ट लाइन में लिख दो हिज मोस्ट फेमस बुक और हाँ हिज मोस्ट फेमस बुक इज फेमस बुक इज द पॉलिटिक इन्वर्टेड कोट्स में लिखो द पॉलिटिक ये उसकी बुक है प्लेटो की कौन कौन सी थी रिपब्लिक और दूसरी अपने को जो लगती है वो है लॉज ओके और इसकी बुक का नाम है द पॉलिटिक ठीक है वैसे ही एक और चीज अपने को लिखनी है वो है लास्ट लाइन में ही वॉज ऑल्सो असाइंड ड्यूटी ही वॉज ऑल्सो असाइंड द ड्यूटी टू एजुकेट अलेक्जेंडर आपको हिस्ट्री में ऑलरेडी सिखा दिया होगा अलेक्जेंडर ठीक है अब आते हैं पर्सपेक्टिव नीचे अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो पर्सपेक्टिव ऑफ एरिस्टॉटल एज थिंकर मतलब एज अ थिंकर वो कौन था तो एक तो हमने ऑलरेडी देखा था ठीक है जब उसने अपनी थियरी ऑफ आइडियाज दिया था किसी को याद है उसने प्लेटो को किस स्टेटमेंट से क्रिटिसाइज किया था जब हमने थियरी ऑफ आइडियाज सीखा था उस टाइम पे मैंने एक स्टेटमेंट बताया था जो कि एरिस्टॉटल का है अधीरा चलो ढूंढ सकते हो क्या वेरी गुड ओके इट इज बेटर टू बी वर्ल्डली वाइज देन टू बी वाइज इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज ये उसका स्टेटमेंट था तो उसका पर्सपेक्टिव कैसा है ना प्लेटो जो है वो हर बार क्या बोल रहा है कि जो बेस्ट है उसको ढूंढने की कोशिश करो और वो बेस्ट को ही आप लोग इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो बट इसका क्या बोलना है दैट इट इज रॉन्ग ओके दैट यू सेक्रीफाइस गुड फॉर द सेक ऑफ बेस्ट किसी को भी ओके वो बोलता है कि अगर तुमको एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है ओके एडमिनिस्ट्रेशन अगर तुमको संभालना है सो यू डोंट हैव टू बी एन एक्सपर्ट एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है नेचर ऑफ सिस्टम समझ के ले लो और उसके बाद में तुम लोग उसको कॉमन सेंस से भी आप लोग उसको गवर्न कर सकते हो तो बोलता है कि एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तुमको कोई फिलोसोफर किंग वगैरह की जरूरत नहीं है तुमको सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए एक जर्नलिस्ट चाहिए वही आज हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को मतलब अब अगर हम लोग देखें तो डीप में हम लोग लॉ पढ़ते हैं क्या डीप में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं क्या नहीं अपने को सिर्फ सारे प्रोविजंस पता होने चाहिए डीप में हम लोग एकदम इकोनॉमिक पढ़ते हैं क्या नहीं डीप में हम लोग साइंस पढ़ते हैं क्या नहीं बहुत सारे लोग तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते भी नहीं है स्टिल हम लोग रैंक वगैरह लेके आ सकते हैं या उनको पता भी नहीं होगा उसके बारे में वी जस्ट हैव टू नो कि ये सब भी होता है ओके और इतना अगर अपने को पता है तो हम लोग एफिशिएंटली रूल कर सकते हैं बिकॉज सिर्फ अगर तुमको पॉलिटिक्स का ज्ञान है ओके और इकोनॉमिक्स का कोई ज्ञान नहीं है या बाकी चीज़ों को कोई ज्ञान नहीं तुम लोग ठीक से रूल कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे तो वैसे ही इसका बोलना है कि यू जस्ट हैव टू हैव दिस कॉमन सेंस ओके तुम कॉमन सेंस से भी रूल कर सकते हो तो बिना फालतू फिर तुम लोग जो है वो बेस्ट के सेक के लिए तुम लोग गुड को सेक्रीफाइस मत करते जाओ इसके लिए उसने एक बहुत अच्छा वर्ड भी यूज किया हुआ है वो है कि गोल्डन मीन तो उसका बोलना है कि वॉट इज द गोल्डन रूल ओके तो ये पूरे एंटायर लाइफ के लिए तुम लोग भी अपनी फिलॉसफी बना सकते हो आगे कि यू शुड नेवर बी एट द एक्सट्रीम्स मतलब एकदम फुलिश भी नहीं होने चाहिए कि तुमको कुछ चीज ही पता नहीं है ओके ना ही ऐसा हो कि तुम लोग सिर्फ एक ही चीज के पीछे पड़े हुए एक्सट्रीम में तो कभी जाओ ही मत हर बार बीच में आओ तो एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स क्या है तो वो बोलता है कि देखो एक एग्जाम्पल हो सकता है कि समझो कोई किसी को मार रहा है वगैरह ओके तो उस टाइम पे तुम जा रहे हो तुम्हारा एकदम स्टेचर वगैरह छोटा सा है तुम उधर उसको बचाने बचाने जा रहे हो ठीक है क्या होगा तुम्हारी भी धुलाई हो जाएगी तो वो क्या बोलता है कि एकदम फुलिश होने की जरूरत नहीं है एकदम फुलिश होने की जरूरत नहीं कि तुम जाके एकदम सीधा बोल रहे हो कि हाँ हाँ ये इसको मार क्यों रहा है वगैरह ऐसे वैसे ठीक है और ऐसा भी नहीं है कि तुमने कुछ करना भी नहीं चाहिए फिर
कोई किसी को मार रहा है, कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब वो भी फुलिशनेस हो गई। और तुम अगर जाके सीधा तुम्हारा स्टेचर जो है वो देख के भी अगर तुम उससे लड़ने जा रहे हो, तो अगेन दैट इज ऑल्सो फुलिशनेस। सो वॉट इज द मिड वे? तो वो बोलता है करेज। पहले स्ट्रेंथ जो है वो खुद की कैलकुलेट करो, क्या मैं उसको ओवरटेक कर सकता हूँ क्या। आंसर इज वो अगर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर तुमको लग रहा है कि हाँ मैं उसको ओवरपावर कर सकता हूँ तो फिर तुम जाओ। अगर तुम नहीं कर सकते हो तो फिर दो चार लोगों को इकट्ठा कर लो और फिर उसको बचा निकले जाओ। तो दैट इज करेज। तो बोलता है फुलिश नहीं होना चाहिए किसी ने भी। गोल्डन रूल क्या है हर एक चीज में, कि तुम अगर हर बार बेस्ट स्टेट वगैरह ढूंढने जाओगे, फिलोसोफर किंग का आप लोग बेस्ट रूल देखने जा रहे हो, बट वैसे ही उसका बोलना है कि डेमोक्रेसी भी वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ही। ये कौन से कंटेक्स्ट में आइडिया दे रहा है? वो बोल रहा है कि प्लेटो क्या बोला, फिलोसोफर किंग बनाओ, फिलोसोफर किंग जो है वो बेस्ट होगा। एरिस्टोटल मानता है ना ये बेस्ट है स्टेट, बट बेस्ट इज अनअचीवेबल, बेस्ट इज इम्प्रैक्टिकेबल। आज तक फिलोसोफर किंग आया ही नहीं, सोचो। लेकिन अगर हम लोग दूसरा एक्सट्रीम जो है वो क्या है, तो वो है रूल ऑफ डेमोक्रेसी उस टाइम का जो चल रहा है। तो रूल ऑफ डेमोक्रेसी मतलब क्या, इट इज रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल जो कि क्या करना चाहते हैं, पैसा ही कमाना चाहते हैं सिर्फ। तो बोलता है कि दोनों भी एक्सट्रीम पे जाने की जरूरत नहीं है, ना तुमको फिलोसोफर किंग चाहिए ना ही तुमको रूल ऑफ डेमोक्रेसी चाहिए। तो तुमको क्या चाहिए वहां पे? तो वो बोलता है सीधा यहाँ पे तुम्हारा बीच में एकदम आएगा, ओके, जिसको वो डिफाइन करता है पॉलिटी बोलता है उसको। उस पॉलिटी का मीनिंग होता है रूल ऑफ मिडिल क्लास। तो बोलता है गोल्डन मीन में बिलीव करो हर बार, गोल्डन मीन में बिलीव करो। वैसे ही हम लोग भी अपने यहाँ पे कर सकते हैं कि तुमको इतने सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए, एक ऑप्शन है तुम्हारे पास, हर एक सब्जेक्ट को डीप में पढ़ते जाओ, एक एक कंसेप्ट को डीप में पढ़ते जाओ, इस बुक से पढ़ा है, उस बुक से पढ़ा है। बट अगेन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले तुमने क्या देखा, 250 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करके देना है। कितना आना चाहिए आपको? 250 वर्ड्स या फिर 150 वर्ड्स में लिखना आना चाहिए। उसके लिए अगर इतने बुक्स पढ़ के तुम 5 साल तक प्रिपेयर कर रहे हो, कोई मतलब है क्या? नहीं। बट इसका मतलब ये भी है कि आप उसके लिए कुछ अच्छे एक्स्ट्रा एफर्ट्स ही नहीं ले रहे हो, तुमको जब पता है तो वो भी नहीं, दोनों भी फुलिशनेस होगी। एकदम तुम डीप में जा रहे हो तो फिर तुम स्कॉलर बन जाओगे, बट तुम ऑफिसर नहीं बन पाओगे। नहीं पढ़ रहे हो तो फिर तो वैसे ही नहीं बनने वाले हो। पढ़ना है, बट कैसे पढ़ना है? राइट अप्रोच, राइट एटीट्यूड और मिडल पाथ। मिडल पाथ क्या है? थोड़ा सा एक्सपर्टीज लेके आओ, थोड़ा सा अपना जो भी जितना भी तुमको जनरल नॉलेज है या कॉमन सेंस है उससे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। इतना हो गया तुम्हारा काम हो जाएगा, ओके? और ये हो गया उसका एक पर्सपेक्टिव। उसका बोलना है कि एक्सट्रीम में जाना ही नहीं है, वर्ल्डली वाइज बनने की कोशिश करो रेदर देन वाइज इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। वो बोलते हैं ना लोग स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए, कि तुमको क्या करना है एकदम स्मार्ट वर्क करो, स्ट्रीट स्मार्ट रहे तो ज़्यादा बेटर होगा, फिर तुम वो फिलोसॉफी की बातों में ही फंसे रहोगे। और दूसरा आगे वो बोलता है कि इसीलिए उसको फंक्शनलिस्ट भी बोला जाता है। फंक्शनलिस्ट क्या है? उसका काम है फंक्शन पूरा हो जाए बात खत्म, काम हो गया ना, तुमको वो ऐसे करना था तो ऐसे कर, वैसे करना है तो वैसे कर, पर तेरा काम पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है? तो दूसरी बात, उसको इसलिए भी फंक्शनलिस्ट बोला जाता है बिकॉज ही बिलीव्स इन द यूटिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस अलग अलग। तो जैसे प्लेटो ने क्या किया था, प्लेटो ने पूरा का पूरा प्रॉपर्टी हटा ही दिया। वो बोलता है अरे प्रॉपर्टी जो है या फैमिली जो है, ये इंस्टीट्यूशन कुछ ना कुछ फंक्शन पक्का रोल पक्का प्ले करेंगे, या दे हैव सर्टेन फंक्शंस, यू जस्ट डोंट इग्नोर देम। दैट इज व्हाई ही इज आल्सो कॉल्ड एज फंक्शनलिस्ट। उसको कंजर्वेटिव भी बोला जाता है। कंजर्वेटिव कौन होता है? नहीं नहीं, सिंपल, रिलीजन विलीजन कुछ नहीं आता है। कॉन्जर्वेटिव हम उसको बोलते हैं जो ट्रेडिशंस में बिलीव करता है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस में जो हर बार फोकस करने की कोशिश करेगा, उसको आप लोग कंजर्वेटिव बोलते हो, सिंपल। बट कंजर्वेटिव में और फंडामेंटलिस्ट में फर्क होता है, कंजर्वेटिव में और फंडामेंटलिस्ट में फर्क होता है। टेररिस्ट जो होते हैं उनको हम लोग फंडामेंटलिस्ट बोलते हैं, कभी उनको कंजर्वेटिव नहीं बोलता। बट एक आधे बंदे को हम लोग कंजर्वेटिव बोल सकते हैं, या कोई कोई इवन अपने फैमिली को कंजर्वेटिव बोल सकता है, ठीक है? तो ये दोनों में फर्क है, क्या फर्क हो सकता है? तो कंजर्वेटिव्स डू बिलीव इन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, बट दे आर ऑल्सो ओपन फॉर चेंज। बट चेंज कितना? थोड़ा थोड़ा।
अब आपने भी अपने जनरेशन में अपने घर पे कहीं ना कहीं आप लोगों ने ऑब्जर्व किया ही होगा, जैसे जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ राजस्थान, तो वहाँ पे आज भी घूंघट की प्रथा है, ठीक है, एकदम प्रॉपर तुमको घूंघट यहाँ तक निकालना पड़ता है। जो उस चीज़ से मुझे पहले से ही हमेशा ये हेट हुआ करती थी, मैं नहीं चाहता तो हमारे भी घर में, बट अब होता क्या है कि जब वाइफ जब घर पे है तब तो कुछ नहीं, मतलब पापा है मम्मी है फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमारे मतलब उस समाज में तो घूंघट जो है वो आपको देवर से निकालना है, जेठ से निकालना है, अपने पापा है तो उनसे निकालना है, दोनों पापा साथ में खड़े तो निकालना है, मतलब सिर्फ घूंघट में ही घूमना होता है। तो वो क्या हो गया, अब वो उधर अगर आप लोग उनको समझाने जाओ तो नहीं समझता, राजस्थान में जब जाओ तो वो वहाँ पे नहीं समझेंगे, यहाँ पे एटलीस्ट समझ में आ जाए। तो वो एकदम एक्सट्रीम में एकदम ऐसा भी बिलीव नहीं करते कि हाँ पूरा चेंज ही हो जाए, वो है कॉन्जर्वेटिव, आज भी ट्रेडिशन में और कस्टम में बिलीव करते। तो जब राजस्थान जाओ तब थोड़ा बहुत थोड़े टाइम के लिए ऐसा कुछ करना है तो करो, इसलिए ज़्यादा जाते ही नहीं है पहली बार। और यहाँ जब है तो फिर वहाँ पे ये सब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या कि कॉन्जर्वेटिव्स आर ओपन फॉर चेंज ऑल्सो, बट पीस मिल चेंज। उनका एकदम से ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा हमने एकदम रेडिकल चेंज ही कर दिया है, कल को एकदम स्मॉल स्कर्ट में मेरी वाइफ घूम रही है पापा के साथ, ऐसा भी नहीं है। ओके, सो दे आर रेडी कि ठीक है पापा ऐसा चलेगा। लेकिन फंडामेंटलिस्ट कौन होगा जो बिल्कुल एकदम बोलेगा कि चेंज मुझे चाहिए ही नहीं, दे आर नॉट रेडी फॉर इवन स्मॉलर चेंज। तो इसीलिए हम लोग जो इस्लामिक टेररिस्ट है या जो तमिलियन टेररिस्ट भी हुआ करते थे, तो जो भी है तो उनको हर बार ऐसा ही बोलना है कि हमको चेंज ही नहीं चाहिए, हरी कटिंग में तो उनका बोलना है कि नहीं हमको वो जाए उस टाइम का जैसा रूल हुआ करता था वैसा ही रूल लेके आना है, ये वापस से यही करना है अपने को। सो दीज आर फंडामेंटलिस्ट। और सिर्फ ये टेररिज्म से ही नहीं, तो इवन तुम्हारे भी डे टू डे लाइफ में आप लोग इसको ऐड कर सकते हो कि जो चेंज होने के लिए रेडी ही नहीं है तो वो क्या हो गया, फिर फंडामेंटलिस्ट हो गया। तो ये फ़र्क है। तो वो ही इज़ अ कॉन्जर्वेटिव, he does not say that I don't want any change, he wants to change it, okay, jahan pe karna hai, but he believes in piecemeal approach, okay, he believes in piecemeal social engineering. What is this piecemeal social engineering? Simple, aapko jo jo change karna hai small pieces mein karo, chota 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 change karte raho, उसको ही बोलता है पीसमेल सोशल इंजीनियरिंग करनी है अपने को। ओके, और एक लास्ट एक और कंसेप्ट जो अपने को सीखना है वो है टीलियोलॉजी। सो इवन प्लेटो वॉज टीलियोलॉजिस्ट, ठीक है, ये आपको बाद में एथिक्स में भी काम आएगा, पढ़ा गया तो तुझे ये सब टीलियोलॉजी या फिर डियोन्टोलॉजी क्या होता है इनका मीनिंग, समीक्षा क्या कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट, हु आर कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट, ओके, एंड व्हाट अबाउट डियोन्टोलॉजी, यू आर राइट, ओके। सो अब हम लोग थोड़ा फिलोसॉफी में उतर रहे हैं, और मैंने बताया पॉल साइंस मास्टर साइंस है तो हर तरफ लेके जाएगा आपको। तो टीलियोलॉजी जो है वो क्या बिलीव करता है, इन लोग हर बार कॉन्सिक्वेंस या फिर एंड जो है उसमें बिलीव करेंगे कि एंड अगर सही है सब सही है, ओके। और डियंटोलॉजी जो है वो हर बार ड्यूटी में बिलीव करता है, या इसको आप लोग बोल सकते हैं मींस में बिलीव करता है। ये एथिक्स में आने वाला है वापस, जब तुम्हारा एथिक्स के लेक्चर्स होंगे तब आपको ये सब वापस लगने वाला है, तब तुमको ऑलरेडी पता होगा। टीलियोलॉजी मीन्स क्या, एंड। तो हम लोग हर बार दो चीजों की बात करते हैं कि एक मतलब मीन्स तुम्हारे और दूसरा है तुम्हारा एंड। तो एंड कैसे अचीव करना है, तो अब उसके लिए तुम्हारे मीन्स सही हो सकते हैं गलत हो सकते, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, या फर्क पड़ता है, ओके, या फिर तुम मीन्स सही रखो फिर उससे एंड जो है वो कभी कभी उल्टा या सीधा कुछ भी हो सकता है। गांधी जी यूज टू बिलीव कि दोनों भी सही होने चाहिए, मीन्स भी सही होने चाहिए और एंड भी सही होना चाहिए, तभी सब कुछ सही होगा, ओके? लेकिन कुछ लोगों का बोलना है कि एंड जो है वो मैटर करना चाहिए, कि तुमको तुम्हारा एंड क्या है, एग्जाम क्लियर करना, फिर मैं कैसे भी क्लियर करूँ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, मैं रट के कर रहा हूँ, मैं उसको याद करके कर रहा हूँ, मैं सुबह जग के कर रहा हूँ, और कुछ कर रहा हूँ, किसी को कॉपी कर रहा हूँ, या फिर अगेन जैसा वो एक आईपीएस ऑफिसर पकड़ा गया था, सोचो आईपीएस ऑफिसर है
उसने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कान में ईयरफोन्स वगैरह लगाए थे, बट कौन से, वो ब्लूटूथ वाले जो एकदम स्मॉल है, जो समझ में ही नहीं आते कि तुमने पहने भी है। और दूसरी बात, उसने क्या किया था, अपना मोबाइल जो है वो उसका कनेक्टेड था ब्लूटूथ से, मोबाइल बाहर ओके, और फोन पे दिखा रखा था, और यहाँ पे उसने कैमरा लगा के रखा हुआ था, जिससे हैदराबाद की वन ऑफ द फेमस इंस्टीट्यूट ला एक्सेलेंस ओके, हैदराबाद का मतलब जैसे विजन या फिर वाजीराम है ना दिल्ली का, वैसा ये हैदराबाद का है ला एक्सेलेंस करके, ये यहाँ का जो यूनिक है वो वहाँ का ला एक्सेलेंस, उसका जो चीफ पर्सन वगैरह थे उन लोग सबको पकड़ के जेल में एक साथ डाल दिया था, वो यहाँ से कैमरे से दिखा रहा था वहाँ कि देखिए ये क्वेश्चन है क्या लिखना है बता, और वो कान में सुन के लिख रहा था, ऑब्वियसली पकड़ा गया। और मज़े की बात, आपको और ज़्यादा मज़ा होगा जान के, वो एथिक्स का पेपर लिख रहा हाँ क्या हुआ हाँ ला एक्सेलेंस, आप लोग मेरे से ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना ठीक है पकड़ के मारूंगा सीधा। तो एथिक्स के ही पेपर में वो पकड़ा गया। अब आप लोग सोचो कि एंड है तुम्हारा आईएएस ऑफिसर बनना, इसलिए एक आईपीएस ऑफिसर ये वाले मींस चूज कर रहा है, सही है क्या? नहीं है। तो कभी कभी आपके एंड और मींस ये दोनों भी मैटर करते हैं। फिर अगर तुम मींस हर बार सही भी रखते बैठे और उससे एंड अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो अब इसमें उसकी जो फिलोसॉफिकल थॉट है उसका क्या मानना होगा, जो आईपीएस ऑफिसर पकड़ा गया ये ला एक्सेलेंस वाले होंगे उनका क्या मानना होगा, उनका होगा टीलियोलॉजी, एंड अगर सही है तो सब सही है ओके, अगर वो आईएएस ऑफिसर बन गया है इट जस्ट डजंट मैटर फिर क्या चल रहा है ओके। फिर उसके बाद में डियोन्टोलॉजी वाले हर बार ड्यूटी पे फोकस करेंगे, उन लोग मींस पे फोकस करेंगे, वो क्या बोलेंगे कि मींस जो है वो हर बार सही होने चाहिए, मींस जो है वो हर बार सही होने चाहिए, उनका ये बोलना रहेगा। बट टीलियोलॉजी की एक और डिनोटेशन या कनोटेशन होता है, उसका और एक मीनिंग भी होता है टीलियोलॉजी का, ये एंड वर्सेस मींस ओके। तो भगवान कृष्ण जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ही इज डियोन्टोलॉजिस्ट बिकॉज ही सेज दैट टू फाइट दिस महाभारत वॉर ओके इज योर ड्यूटी, तो ये तेरी ड्यूटी ही है इसलिए ड्यूटी पे फोकस कर। तो हर बार डियोन्टोलॉजी वाले जो लोग है वो ड्यूटी पे फोकस करने की कोशिश करेंगे, और ये जो है ये फाइनल कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है उस पर इन लोग बात करने की कोशिश करेंगे। अर्जुन जो है वो टीलियोलॉजिस्ट है, वो बोलता है कि क्या मतलब है, आपको सबको पता होगा आई सपोज इतनी महाभारत सबको आती है, कि सबसे पहले अर्जुन और इनका सब डिसाइड हो गया, मतलब पांडव और कौरव ओके, तो कौरव और इनका जो भी वानप्रस्थ वगैरह था, वनवास वगैरह इनको भेजा हुआ था, वो सब इनका पूरा हो गया। तो वनवास पूरा होने के बाद में जब कौरव जो है उनके पास में पांडव आए और बोले कि अभी हमारा राज्य हमको वापस दो, तो ये बोले कि क्या काय का राज्य, कौन सा राज्य, वो हम लोग तुमको कुछ देने वाले नहीं है, तो भी बोले लड़ाई करने से बेटर है फिर वापस एक बार बात कर लेते। तो उन लोग भगवान श्री कृष्ण को भेजते हैं कि जाओ थोड़ा बात बात करके आओ, देखो कुछ दे रहे तो वो बोलता है कि अगेन वो बोलता है कुछ नहीं दूंगा मैं तुम्हारा राज्य। तो भगवान श्री कृष्ण ने लास्ट ऑफर दिया, वो बोले अगर तुमने 5 गांव भी अगर दे दिए तो भी वो मान जाएंगे, मैं वचन देता हूँ कि वो 5 गांव से भी खुश रहेंगे, बट सिंस वो उनका हक है इसलिए उनको चाहिए, और एक पूरा इतना बड़ा वॉर क्यों क्रिएट कर रहे हो सिर्फ 5 गांव के लिए, 5 पांडव है 5 गांव दे दो। बट दुर्योधन विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो बोलता है 5 गांव तो क्या, सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा तुमको मैं, जो करना है कर लो मैं नहीं डरता। कृष्ण बोले ठीक है जाता मैं। तो अब जब इनका वॉर शुरू हो रहा था तो पहले तो अर्जुन बोला हाँ हाँ चलो जाके अभी जीत लेंगे एकदम, मेरे बाण है, मेरे पास ये पावर है वो पावर है, जाते ही जीत लूंगा। सामने गया तो देखा सारे भाई बहन खड़े हैं, बहन नहीं भाई खड़े हैं, या बाप दादा खड़े हैं, जैसे अभी भीष्म पितामह वो कौन थे उसके सामने दादा खड़े हैं। वो बोलता है अरे दादा पे अब बाण कैसे चलाओ, और आगे देखो तो गुरु खड़े हैं द्रोणाचार्य, बोले जिन्होंने मेरे को ये सब सिखाया उसी पे कैसे अभी वार करूं मैं, ठीक है। वो अभी बोलता है कि अभी मैं छोड़ रहा हूं अपना, उसका धनुष का नाम था गांडीव धनुष ओके, तो बोलता है मेरे हाथ से तो गिर रहा है और मैं इनसे कैसे लड़ूंगा। तो वो बोलता है कि कॉन्सिक्वेंस सोचो कि सिर्फ मतलब ये राज्य पाने के लिए इतने लोगों का मारना सही है क्या,
एंड देखो सही है क्या वो। तो उधर कृष्ण बोलते हैं कि एंड कुछ भी हो, ओके चाहे तू जीतेगा वो जीतेंगे वी डोंट नो, ओके बट सिंस मैं तेरे साइड से तो पक्का तू ही जीतेगा, लेकिन तू मींस पे फोकस कर। मींस क्या है? दैट इट इज ड्यूटी। ड्यूटी पे फोकस कर, तेरी ड्यूटी क्या है। बिकॉज इट इज नॉट अबाउट, इट इज नॉट द क्वेश्चन ओके वेदर यू शुड हैव दोज लैंड्स और नॉट, बट एक्चुअली अधर्म है वहां पे और धर्म की हर बार जीत होनी चाहिए, इसलिए इट इज योर ड्यूटी कि यू हैव टू फाइट। और फिर वो पूरा महाभारत युद्ध होता है, तो इसलिए हम लोग उनको ऐसे क्लासिफाई करते हैं। अर्जुन जो है वो कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोच रहा है, वो टीलियोलॉजिस्ट है, और कृष्ण जो है वो डियंटोलॉजी के बारे में बात कर रहा है। एनीवेज वापस यहाँ पे आते हैं अपने पॉलिटिकल साइंस में। तो इसमें ही ओके टीलियोलॉजी में बिलीव करने वाले लोग, टीलियोलॉजी का एक और मीनिंग होता है जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, वो है कि उन लोग जो है वो कभी कभी डिफाइन करके रखते हैं कि तुम्हारा पर्पज ही इस चीज के लिए हुआ है, मतलब एंड जो है ये तुम्हारा ये है, और तुम्हारा बर्थ या फिर तुम्हारा और कोई काम जो है या पर्पज क्या है उसका, तुम्हारा पर्पज ही इस चीज के लिए हुआ है तो तुमको वही करना है। फॉर एग्जाम्पल इवन वो भी बोलता है कि स्टेट जो है उसका पर्पज ही है कि वो ऐसे और वो ऐसे एग्जिस्टेंस में आए और सबको एक गुड लाइफ दे, इसीलिए फिर उसको टीलियोलॉजिस्ट बोला जाता है। वो भी इसी में बिलीव करता है। ओके सो डिस्क्राइब्स थिंग कि किस चीज का पर्पज क्या है। तो अगर पर्पज या फिर गोल, देखो इसके मल्टीपल मीनिंग्स है, टीलियोलॉजी में बहुत सारी चीजें आती है। तो अगर आप लोग पर्पज या गोल के टर्म्स से बात कर रहे हो कि मैं अगर तुमको दिखा रहा हूं कि ये तुम्हारा पर्पज है, एंड पर्पज तुम्हारा ये है, जैसे इवन प्लेटो वॉज टीलियोलॉजिस्ट। प्लेटो कैसे था टीलियोलॉजिस्ट? उसने हिस्ट्री की मूवमेंट कैसे दिखाई थी? उसने बोला कि फिलोसोफर किंग का आना ही जरूरी है। समझ में आ रहा है? इट इज योर एंड पर्पज। सो दैट इज हाउ ही सेज कि एक डेफिनेट डिजाइन है हर एक के लिए, तुम्हारी हर एक की एक डेस्टिनी है, ठीक है, और वो डेस्टिनी पे तुमको पहुंचना है। वैसे ही बोलता है वो स्टेट भी जो है, स्टेट बनना एक डेस्टिनी है, तो इसलिए उसकी जरूरत है अपने को। सो दैट इज वाई वी ऑल्सो कॉल प्लेटो एज टीलियोलॉजिस्ट। ये जब लिखेंगे तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स राइट। एसी कम, मेरे पास रिमोट नहीं है वैसे भी, एसी की बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे यहाँ गर्मी होती है, तुम लोगों को ठंडी लगती है। एक्चुअली यहाँ पे कहीं तो लगनी चाहिए। सो पर्सपेक्टिव ऑफ एरिस्टॉटल एज अ थिंकर, लिखो अब। ही इज थिंकर ऑफ कॉमन सेंस, ही इज थिंकर ऑफ कॉमन सेंस। According to him, he is thinker of common sense. Perspective of Aristotle as a thinker. ये आपकी heading है और अब उसके अंदर हम लोग लिख रहे हैं he is thinker of common sense. उसने बोला आयरन ही हो गया। अकॉर्डिंग टू हिम इन ऑर्डर टू गिव गुड गवर्नेंस देर इज नो नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। What is required is common sense. According to Aristotle, थोड़ा फटाफट लिखो यार, तुम बहुत डिले हो सब। अब मेरी स्पीड मैच कर सको तो करो, मैं वापस रिपीट नहीं करने वाला हूं। According to Aristotle, it is important. According to Aristotle, inverted quotes में, it is important for ruler to be worldly wise
वर्डली मत लिख देना, वर्ल्डली वाइज. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर रूलर टू बी वर्ल्डली वाइज रादर देन वाइज इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, रादर देन वाइज इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज. नेक्स्ट पैराग्राफ, ही डज नॉट सपोर्ट प्लेटोज थ्योरी ऑफ आइडियाज. Which states that idea is independent of matter. Full stop. अभी एक सच्ची में सीरियसली बोल रहा हूँ, थोड़ा फटाफट लिखो. मेरे हिसाब से हम लोग पिछले साल की जिस स्पीड से जा रहे थे उससे बहुत ही कम स्पीड से जा रहे हैं. ऐसे तो फिर तुम लोग चाहोगे कि मैं फरवरी में सिलेबस ख़त्म करूँ, विच आई डोंट वॉन्ट. ओके, तो थोड़ा सा भी स्पीड बढ़ाओ. अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, वी कैनॉट डिनाय reality of material world completely. Full stop. He believes that if reason is the source of knowledge, We cannot deny that sensory organs are also source of knowledge. According to Aristotle, Everything that we need is present in this world. And there is nothing new which is to be discovered. Full stop. Therefore, rather than traveling in the world of ideas, one should understand nature of world. One should understand nature of world. Full stop. If we understand nature of world, we can know what is to be done and what is to be avoided. Through common sense. Next paragraph. Aristotle believed that
Aristotle believed that golden mean is golden rule. Inverted quotes में लिखना उसको. Aristotle believed that golden mean, M E A N, golden mean is golden rule. देखो words में फर्क पड़ता है. Okay? जब आप means लिख रहे हो तो साधन उसका मतलब हो जाता है. Mean लिख रहे हो तो उसका मतलब होता है average. Okay? कहाँ गया? हाँ, गोल्डन मीन इज गोल्डन रूल. ही प्रपोजेस मॉडरेशन रैदर देन एक्सट्रीम. फुल स्टॉप. The good life can be achieved through moderate wealth and common sense. The good life can be achieved through moderate wealth and common sense. He does not believe in perfection. Full stop. One should go after good life rather than best life. Therefore he suggests. Kya hai uska famous statement? Therefore, he suggests not to sacrifice good for the sake of best. ठीक है, तो वो एक कॉमन सेंस का थिंकर है. उसका बोलना है कि कॉमन सेंस से जो चीज़ हो सकती है उसमें बिना फालतू के अपने आइडियाज इन्वेस्ट करते बैठे अलग अलग. वो बोलता है जो कुछ तुमको चाहिए सब कुछ वर्ल्ड में ऑलरेडी यहीं पे तुम्हारे सामने है. जितना ढूंढ सकते हो ढूंढ लो, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ वर्ल्ड यू विल फाइंड दैट इवन थ्रू कॉमन सेंस यू कैन लिव. कॉमन सेंस चाहिए बट ओके. फिर वो ऐसे ही बोलता है कि आगे ओके गोल्डन मीन रखना है अपने लाइफ में. तो वो बोलता है देखो जो एकदम रिच है वो भी कभी खुश नहीं रह सकता. उसको डर होता है कि अगर कोई आ जाएगा लूट लेगा परेशान कर देगा. या फिर अगेन जो रिच लोग वगैरह होते हैं उनकी आप लाइफ स्टाइल जाके देखो, उनके पास टाइम ही नहीं होता है ना. फैमिली के लिए टाइम होता है ना और कुछ किसी के लिए टाइम होता है. वही अगर आप पुअर का देखो एकदम, अगर वो पुअर है तो अगेन उसके पास फैमिली के बहुत सारा टाइम है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है फिर? एग्जैक्टली नहीं मतलब उसको हर बार कॉन्स्टेंटली इज वरिंग अबाउट सम और अदर थिंग. तो ना तो एकदम पुअर मैन खुश रहेगा ना ही एकदम अल्ट्रा रिच आदमी खुश रहेगा. खुश कौन रहता है? जो मिडिल क्लास है. बस उसका काम है भाई इतनी सैलरी आ जाए महीने की, घर पे जाओ, बीवी बच्चे हैं संभालो, थोड़ा बहुत इधर उधर सिंगापुर वगैरह ट्रिप करने मिल गई तो बेस्ट. तो उसको आप लोग बोलते हो कि उसको आप लोग गुड लाइफ बोलोगे. ठीक है, हाँ. तो सो व्हाट आई मीन आर यू टेलिंग मी फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव? कैसे? देखो एक मिडिल क्लास इंसान जो होता है ओके उसके पास कम से कम अच्छा एजुकेशन हो जाता है. मिडिल क्लास मतलब मैं अपर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ एटलीस्ट.
अपर, बट मैं एकदम सुपर रिच की बात नहीं कर रहा हूँ, तो या इवन थोड़ा लोअर मिडिल क्लास भी अगर आप पकड़ो, तो एटलीस्ट उनके पास रहने के लिए एक सही घर होता है. घर आओ तो कुछ टीवी पे देखना है तो वो टीवी होती है, फ्रिज होता है. अरे बट वो स्टैंडर्ड वे ऑफ लाइफ नहीं है ना, मुझे ये बोलना है. बट अगर अगेन एक मिनट, इट इज नॉट द केस. ओके, इफ यू गो एंड सी द पुअर पीपल देन अरे यहाँ बात चल रही है, इसको बताओ बताना है. तो पॉइंट बींग, पुअर जो है, अगर समझो कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई है, डू यू थिंक ही विल नॉट वरी अबाउट इट? या उसको पैसे नहीं जुटा पा रहा है, बट एटलीस्ट मिडिल क्लास का ऐसा है कि इंश्योरेंस तो परचेस कर पाता है, तो इतना उसको वरी नहीं करना पड़ता है. नो डाउट आई एम नॉट सेइंग कि रिच तो है वो तो सीधा सुपर स्पेशलिटी में ऐसे ही पहुंच जाएगा. ओके, उसका तो कोई इश्यू ही नहीं है. इंश्योरेंस नहीं लिया तो भी लोग बोलेंगे अरे तुम्हारा तो पहले से इंश्योर्ड था. बट मुझे बोलना है कि एनीवेज रिच जितना खुश नहीं रहेंगे या पुअर जितना खुश नहीं रहेंगे, हर बार मिडिल क्लास जो है उससे ज़्यादा खुश रहेगा. पॉइंट ये है. ओके, और आगे भी हम लोग देखेंगे कि कैसे. अभी नेक्स्ट लिखो, एरिस्टॉटल इज फंक्शनलिस्ट. इसी में हाँ, पर्सपेक्टिव ऑफ एरिस्टॉटल एज थिंकर में ही हम लोग लिख रहे हैं कि एरिस्टॉटल फंक्शनलिस्ट भी है. मतलब ही इज, फर्स्ट चीज हो गई, ही इज थिंकर ऑफ कॉमन सेंस. ओके, फर्स्ट चीज भले ही हमने हेडिंग नहीं दी है, बट उसको हम लोग बोल सकते हैं ही इज थिंकर ऑफ कॉमन सेंस. तो वो कॉमन सेंस से कैसे आया वो पूरा हमने अभी लिखा है. अब हम लोग देख रहे हैं एरिस्टॉटल इज फंक्शनलिस्ट. एरिस्टॉटल इज फंक्शनलिस्ट. कैसे? कोलन लगा के लिखो. फंक्शनलिस्ट बिलीव इन फंक्शनल यूटिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन. फंक्शनलिस्ट बिलीव्स इन फंक्शनल यूटिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन. दे डू नॉट सजेस्ट to eliminate institutions. They do not suggest to eliminate institutions. Rather, they suggest to rectify the problems. Rectify the problems and conserve the institution. नेक्स्ट है, एरिस्टॉटल इज कंजर्वेटिव. कोलन लगा के आगे लिखो. कंजर्वेटिव्स बिलीव इन प्रिजर्वेशन ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. Conservatives do not support radical changes. They support only gradual piecemeal social engineering. Piecemeal की spelling ठीक से देखो. पीस अलग चीज है, शांति, और पीसेस वाला पीस यहां पे लिखा हुआ है. ओके, टुकड़े टुकड़े. पीस मिल सोशल इंजीनियरिंग, इन्वर्टेड कोट्स में डाल दो उसको. ठीक है नीतीश. They believe in reforming rather than abolishing. एक सेकेंड.
थिंक इतनी बार फोन आ रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या?
व्हाट इज, या फिर चाहो तो हेडिंग डाल सकते हो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटलिस्ट एंड कॉन्जर्वेटिव, या फिर सिर्फ सिंपल एक हेडिंग फंडामेंटलिस्ट वर्सेस कॉन्जर्वेटिव्स. फंडामेंटलिस्ट डू नॉट एक्सेप्ट, फंडामेंटलिस्ट डू नॉट एक्सेप्ट चेंजेस एट ऑल, चेंजेस एट ऑल. Whereas conservatives go for, very slow pace of change, एक और लिखो, Aristotle as teleologist. वो y के जगह सिर्फ IST लगा देना, Aristotle as teleologist. Teleology means study of ends. Teleology means study of ends. Study. Study of end. According to it, there is definite design for everyone in the nature. There is definite design for everyone in the nature. Full stop. Everyone has predetermined destination. Everyone has predetermined destination. And all of us are moving towards that destination. Teleology, full stop. Teleology is a philosophical attempt. To describe things in terms of their apparent purpose or goal. Teleology is philosophical attempt to describe things in terms of their apparent goal or purpose. ठीक है, ये कैसे है ये हम लोग आगे देखेंगे कि वो teleologist कैसे है करके. अब अपने को उसके कुछ concepts देखने हैं, तो concepts का list लिख लो एक बार, फिर एक 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 खत्म कर देंगे. List of Aristotle's concepts. अलग यहाँ पे हम लोगों ने एरिस्टोटल का पर्सपेक्टिव देख लिया है, दैट हाउ एरिस्टोटल इज. ओके, अब हम लोग देख रहे हैं लिस्ट ऑफ एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट्स. फर्स्ट इज थियरी ऑफ स्टेट. Second is theory of citizenship. Similarly, आगे theory of slavery. Next is theory of justice. Next is theory of constitution. नेक्स्ट अपने को देखना है थियरी ऑफ रिवॉल्यूशन.
एंड सातवीं थ्योरी देखनी अपने को, थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, सात थ्योरीज इसके भी है। जैसे हमने एरिस्टोटल के अलग अलग थ्योरीज देखे थे, सबसे पहले कौन सी देखी थी, थ्योरी ऑफ आइडियाज, फिर देखा हमने थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, फिर थ्योरी ऑफ, फिर थ्योरी ऑफ फिलोसोफी, हाँ ठीक है, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग, सोल वाला हमने इसका देखा है, सोक्रेटस में देखा है, ठीक है, उसका नॉलेज वॉलेज, ये सब हम लोगों ने कहाँ देखा है। और हाँ ठीक है, थ्योरी ऑफ सोल भी बोल सकते हो, बिकॉज उसने मिथ ऑफ मेटल जो है वो थ्योरी ऑफ सोल में ही दिया हुआ है। तो ऐसे अलग अलग अपने कम से कम 6-7 थ्योरी उसके भी देखे हुए, ऐसे ही इसके भी 6-7 थ्योरीज है, जिसमें ऑब्वियसली कुछ में तो वो क्रिटिसाइज करेगा और कुछ में उसके साथ रहेगा। तो कभी कभी हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि एरिस्टोटल जो है तो वो प्लेटो को क्रिटिसाइज कर रहा है, बट एक्चुअली वो वैसा नहीं भी करता है, कभी कभी सिर्फ वो क्या कर रहा है, उसमें रिफॉर्मेशन लेके आ रहा है। उसका बोलना है कि प्लेटो जो है वो मेरा कोई दुश्मन नहीं है, ओके, मैं बस उसमें रिफॉर्म कर रहा हूँ। जैसे उसने अपने अगर थियरी ऑफ स्टेट कुछ दिया है तो उसमें रिफॉर्म करके वापस से उसको प्रेजेंट करना, अगर उसने अपना कुछ थियरी ऑफ स्लेवरी दिया या सिटीजनशिप दिया है उसमें वापस रिफॉर्म करके दे रहा है। तो ऐसे इसने सिर्फ रिफॉर्म वगैरह जो है वो ज़्यादा करके दिया है रादर देन दुश्मन बनने के, ओके। अभी अपने को पहले देखना है थियरी ऑफ स्टेट। तो उसके थियरी ऑफ स्टेट में जैसे हमने वहां पे देखा था कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में उसका प्लेस क्या है, तो उसके 4-5 स्टेटमेंट लिखे हुए थे, वैसे ही इसके अभी 4-5 स्टेटमेंट लिख देते हैं जिसको हम लोग एज अ वेपन यूज करेंगे, वैसे ही इसको हम लोग एज अ क्वेश्चन भी अगर आ गया तो उसको यूज कर लेंगे। तो सबसे पहला है मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, so this can also be, this is regarding theory of state, okay, man is by nature a political animal, ठीक है, ये एक statement हो सकता है। दूसरा statement जो है वो है one who can live without state, second statement, one who can live without state is either beast is either beast or god, but he cannot be a man. Next likho, third statement, a state comes into existence for the sake of life, a state comes into existence for the sake of life and continues, continuous नहीं बोला मैंने, continues and continues for the sake of good life. Next statement, state is highest of all association, state is highest of all association. Next है, state is prior to man, state is prior to man. See chronologically एक नेक्स्ट स्टेटमेंट है, क्रोनोलॉजिकली मैन इज प्रायर टू स्टेट, मैन इज प्रायर टू स्टेट, बट लॉजिकली स्टेट इज प्रायर टू मैन। बट लॉजिकली स्टेट इज प्रायर टू मैन। ठीक है, तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है या फिर
एज आई सेड, इनमें से एक इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या बना सकते हैं, अपना अपना की वर्ड्स बना सकते हैं, की स्टेटमेंट बना सकते हैं और उसी पे लिख सकते हैं. तो समझो अगर आपको इसमें से ही एक क्वेश्चन दे दिया जाए जो कि है मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल. कमेंट लिख लो, क्वेश्चन लिख लो उसको और अब उसको हम लोग फिर कैसे आंसर करेंगे. मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल. तो बेसिकली अगर ये क्वेश्चन है तो उसमें उसको थियरी ऑफ स्टेट आपको एक्सप्लेन करके देनी है. थियरी ऑफ स्टेट मतलब कि गवर्नमेंट क्या होती है, क्यों होती है और कैसी होनी चाहिए. समझ में आ रहा है? तो मैंने आपको बताया दो ट्रेडिशन से, एक है सोफिस्ट और दूसरा है सोक्रेटिक. तो सोफिस्ट जो है उनका क्या बिलीफ था, उनका बिलीफ है एंड सोक्रेटिक. सोफिस्ट लोगों का बिलीव है कि इंडिविजुअल जो है उसको ग्रेटर इंपॉर्टेंस दो स्टेट से. क्यों? बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल्स, ओके, दैट स्टेट इज फॉर्म्ड. तो इसलिए हर बार इंडिविजुअल को प्राइमेसी मिलनी चाहिए. इंडिविजुअल इज प्रायर टू द स्टेट, ऐसा सोफिस्ट बोलेंगे. उनका बोलना है कि हमारा पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, इट इज जस्ट टू एंजॉय. यहाँ एंजॉय वगैरह करने के लिए आए, फिर बिना फालतू तो क्यों इन सब चीजों में पढ़ना है. एंजॉय करना है, पैसे कमाओ, बात खत्म करो सीधा, उसके लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, हो गया बात. सो दे गिव प्रायोरिटी टू इंडिविजुअल. उनका बोलना है इंडिविजुअल को ज्यादा राइट्स मिलने चाहिए. बट सोक्रेटस जो है उसने तो स्टेट का इंपॉर्टेंस कैसे दिखाया, बाय ड्रिंकिंग दैट पॉइजन नेम्ड हेमलॉक. ही हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू रन अवे, ओके, उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, ये भाग सकता था, बट ही कंसिडर्ड इट एज ड्यूटी ऑफ हिम. भले ही वो गलत जजमेंट दे रहा है, ओके, दो इनजस्ट punishment have been put upon him, okay, but still he followed that order. Why? Because he considers, okay, that state जो है उसका कोई भी order हो उसको follow करना तुम्हारा duty है. वो ऐसा क्यों बोलता है? वो बोलता है अगर समझो जैसे sophist लोग believe करते हैं कि sophist क्या बोलते हैं कि individual prior है, तो ऐसे तो यहाँ पे law and order वाली situation आ जाएगी. Even आप लोग देखो Indian tradition में भी आपको दिखेगा कि what is it that you know इंडियन स्क्रिप्ट्स या इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट या इंडियन अलग अलग जो भी अपने पास उपनिषद ये वो सब कुछ लिखे रखा है, वेद लिख के रखा हुआ है या मनुस्मृति लिख के रखा है, अर्थशास्त्र लिख के रखा है, इसमें एक ही सबसे बड़ा फियर था. कोई बता सकता है कौन सा फियर था जो किसी को पसंद नहीं था, वो नहीं चाहिए था उनको? अराजकता, अनार्की. उनको कभी किसी को, इवन इंडिया हो या फिर कहीं और भी हो, अगर आप लोग बोलोगे इंडिविजुअल इज प्रायर टू स्टेट तो वहां पे अनार्की फैलेगी, क्योंकि हर कोई इंडिविजुअल अपने अपने इंटरेस्ट फॉलो करने लग जाएगा. इसीलिए मनुस्मृति में क्या लिखा है कि राजा जो है उसने राजधर्म का पालन करना चाहिए, जो भी मतलब उसका क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए. ब्राह्मण जो है उसने ब्राह्मण धर्म का पालन करना चाहिए. हर कोई अपने अपने धर्म का पालन करे ताकि क्या हो, कोई किसी में भी इंटरफेरेंस ना हो और दूसरी बात अराजकता ना फैल जाए, मतलब अनार्की ना आ जाए, डिसऑर्डर, ओके, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किसी को भी नहीं चाहिए. इवन इन दिस गवर्नमेंट और अभी के भी मॉडर्न टाइम्स में भी आप देखो, सो व्हाट इज इट दैट वी फियर, इट इज अनार्की, इट इज अराजकता. जो आप सीरिया में देख रहे हो वो अराजकता है, दैट देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर, हर कोई वहां पे डरा हुआ है. ऐसे सिचुएशन में ही फिर आप लोग स्टेट को ज्यादा प्रोमिनेंस देते हो. समझ में आ रहा है? सो इवन दीज पीपल, ओके, फेल्ट दैट कि इंडिविजुअल शुड नॉट बी अकॉर्डेड मोर पावर, ओके, और इंडिविजुअल शुड नॉट बी अबव द स्टेट. सो दैट इज वाई इसने क्या बोला कि स्टेट इज जो है प्रायर टू मैन, या स्टेट जो है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए. वो बोलता है लॉजिकली, यस, लॉजिकली आई एग्री कि ऑब्वियसली अगर आप क्रोनोलॉजिकली लेते बैठो तो आप लोग एंथ्रोपोलॉजिकल अगर इवोल्यूशन देखो तो ऐसा ही है. पहले हम लोग एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे, मल्टी सेल्स में बनते गए, उसके बाद में मे बी पहले वाटर वर्ल्ड में रहते थे, बट उसके बाद में टेरिटोरियल वर्ल्ड पे आए, फिर टेरिटोरियल वर्ल्ड में हम लोग जो है इवॉल्व होते होते अपने बंदर जो अपने पूर्वज है, दादा परदादा है, ओके, उधर से फिर यहाँ तक आज हम लोग आए हुए हैं. उसमें भी स्टेट जो है हम लोगों ने मिलके बनाया. फिर वो स्टेट क्या पहले से ही एग्जिस्टेंस में नहीं था, इट वॉज नॉट एन ऑर्गेनिक थिंग.
बट वो बोलता है कि येस क्रोनोलॉजिकली आई एक्सेप्ट कि मैन इज प्रायर टू स्टेट, ओके, बट लॉजिकली अगर आप सोचो, बिकॉज लॉजिक विल टेल यू, अगर आप हर बार मैन को प्रायर बोलोगे तो क्या होगा, मैन क्या करेगा, अपने अपने राइट्स लेके चले जाएगा, ये मेरा है मैं ऐसे ऐसे करूँगा, इसलिए बोलता है कि लॉजिकली स्टेट इज प्रायर टू मैन, ठीक है. सो दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स. और सोफिस्ट ट्रेडिशन में फिर इसी को बिलीव कौन कर रहा था, सबसे पहले तो सोक्रेटस था, सोक्रेटिक ट्रेडिशन, सोक्रेटस था, इसी को बिलीव आगे प्लेटो ने भी किया, इसीलिए प्लेटो ने स्टेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया. यस, उसी ट्रेडिशन को अगेन आगे कौन लेके जा रहा है, एरिस्टोटल. तो एरिस्टोटल भी फिर आगे वही बोल रहा है, तो वो बोलता है कि देखो, वो बोलता है कि स्टेट बनाया भी क्यों हम लोगों ने, तो बोलता है कि मैन जो है वो अपने सारे नीड फुलफिल नहीं कर सकता अकेले, फॉर दैट पर्पज ही नीड्स फैमिली. बट फैमिली से ठीक है, उसके इमोशनल और उसके जो भी बाकी के नीड्स है वो उसके फुलफिल हो जाते हैं, बट वो सारे के सारे अपने नीड्स फुलफिल कर सकता है क्या अकेला ही, या सिर्फ फैमिली के बेसिस पे? जैसे उसको जूते चप्पल चाहिए, वो दिन भर तो अकेला बनाते नहीं बैठ सकता ना, तो कोई और अगर बना के दे दे तो ये डोंट यू थिंक इट वुड बी बेटर? सो इसलिए फिर वो कम्युनिटी बनाता है, कम्युनिटी से फिर उनके विलेजेस बनते हैं, बट अगेन सारे विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, या सारे विलेजेस जो है वो मैन की पूरी नीड जो है वो फुलफिल नहीं कर सकते, इसलिए फिर वो विलेजेस से आगे जाने के बाद में स्टेट को बनाता है, और स्टेट जो है वो अल्टीमेट थिंग है. और जब स्टेट बन जाता है तो स्टेट में मैन की सारी नीड जो है वो फुलफिल हो जाती है, ओके. इसीलिए वो बोलता है कि स्टेट जो है लॉजिकली ऐसे बनता है, और स्टेट मैन की सारी नीड्स फुलफिल कर सकता है. तो वो बोलते टाइम में भी बोलता है कि दैट इज व्हाई मैन इज पॉलिटिकल एनिमल, कि मैन में और एनिमल में फर्क क्या है, दैट वी आर जस्ट, हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स होता है, एनिमल्स में आपको ऐसा पॉलिटिक्स नहीं दिखेगा. मैं आपको मूवीज की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो राइज ऑफ द एप वगैरह, उसमें पॉलिटिक्स अलग है, ओके. बट आप इसमें देखो, आपको एक कौन सी बुक है वो, होमो सेपियन, ठीक है, सिर्फ सेपियंस, ठीक है, सेपियंस किसकी बुक है वो, हाँ, क्या, युवा नोआ हरारी, हाँ, तो उसकी बुक है. उसने एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट दिया, वो बोलता है कि मैंने इसके पहले आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वगैरह की बात तो की ही थी, बट वो बोलता है कि मैन और एनिमल में और एक बड़ा फर्क क्या है ना, इट इज पावर ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है, कि हम लोग इमेजिनेशन के थ्रू हम लोग कुछ भी कर सकते हैं. जैसे आप लोग कभी ऐसा नहीं देखोगे कि दो चार बंदर है, ठीक है, उनको एक बंदर लेके बोलता है कि अगर तुमने ऐसे जिहाद वगैरह किया, ओके, तो तुमको बंदर के लाइफ के बाद में आपको इतने सारे एकदम वहाँ पे बहुत सारे बनानास या फिर बहुत अच्छी अच्छी बंदरिया वगैरह मिले. सो वो बोलता है कि ऐसे कलेक्टिव इमेजिनेशन जो है ये पावर नहीं मिली हुई है, ये सिर्फ मैन के पास ही है कि वो कलेक्टिवली इमेजिन कर सकता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एक कृष्ण भगवान की मूर्ति रख दूँ तो सब लोग उसको फटाक से इमेजिन करते कि ये क्या है, ये भगवान है, अगर इनकी ठीक से पूजा नहीं की तो क्या होगा, हमारे साथ बुरा होगा, ये सब हम लोग सोचते हैं. बट वही अगर एक बंदर के सामने या और कोई एनिमल के सामने रखा है तो दे वॉन्ट इमेजिन दिस, उनको अगर आप बोलने भी गए कि देखिए भगवान है तो बोलेंगे हाँ तेरे, ठीक है. तो ये कलेक्टिव इमेजिनेशन, ये पावर सिर्फ अपने को मिली है, तो वैसे ही वो बोलता है. और ये कलेक्टिव इमेजिनेशन का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, अगेन फॉर एब्स्ट्रैक्ट टर्म, दैट इज सिक्योरिटी वगैरह दिखाने के लिए या फिर स्टेट वगैरह बनाने के लिए. तो इसीलिए तो पॉलिटिक्स के लिए ही तो ये सब किया है कि कैसे आप लोग रूल कर सकते हो. तो वो बोलता है कि आप लोग एक ह्यूमन बींग, ओके, मैक्स टू मैक्स पूरे उसके जिंदगी भर में 1,00,000 लोगों से ऊपर कॉन्टैक्ट नहीं बनाता है. आपके फेसबुक पे आपके बाकी दिख जाएंगे, लेकिन अगर आप ऐसे भी देखो तो आपके पूरे लाइफ टाइम में 1,00,000 लोगों से ज़्यादा लोगों को आप नहीं मिले रहोगे, मतलब इतना बड़ा वर्ल्ड है, इसमें से 1,00,000 लोगों से ज़्यादा आप नहीं मिलोगे लोगों से. बट स्टिल अगर इन सबको यूनिफाई करना है तो तुम कैसे यूनिफाई कर सकते हो, इट इज़ थ्रू पावर ऑफ इमेजिनेशन, एंड फॉर दैट पर्पज यू ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ पॉलिटिक्स. ये पॉलिटिक्स और ये इमेजिनेशन, ये पावर यूज करके आप लोग सबको इकट्ठा करते हो या सबको आप लोग एक पावर में लेके आ सकते हो. ये जो बड़े बड़े कंपनीज चलते हैं, क्या लगता है उनका जो सीईओ वगैरह है वो उनके आके रोज उनसे मिलता है क्या उनको इंस्पायर करने के लिए? नहीं. तो आप ऐसे इमेजिनेशंस बना के डाल दो कि हम लोग बेस्ट में बिलीव करते हैं,
हम लोग बेस्ट में बिलीव करते हैं, जो यहाँ आएगा वो सिर्फ बेस्ट काम ही करेगा, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली वहाँ के लोग जो है वो उस इमेजिनेशन से जुड़ जाते हैं, उनका ऐसा बोलना है, या फिर आप हायरिंग प्रोसेस में भी ऐसा ही कुछ करोगे। ये उसने एक्चुअल में एग्जाम्पल्स दिए हुए, वो बोलता है कि कंपनीज भी ऐसे ही वर्क करती है, फिर मल्टीनेशनल कंपनीज जो लाखों लाखों जिनके एम्प्लॉयज़ है पूरे वर्ल्ड ओवर फैले हुए हैं, बट हाउ दे आर कोऑर्डिनेटिंग एंड वर्किंग, हाउ इज़ इट पॉसिबल? सो दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ योर इमेजिनेशन। तो ये इमेजिनेशन की पावर को ही यूज़ करके हम लोग पॉलिटिकल एनिमल बनते हैं, यही वो भी बोलता है। तो बोलता है कि दैट इज़ वाई स्टेट इज़ प्रायर टू मैन, और स्टेट जो है वो सिंस आपकी सारी नीड्स फुलफिल कर सकता है तो इसलिए उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। और क्या देखा हमने, हाँ, कि स्टेट एग्जिस्टेंस में भी क्यों आता है, बिकॉज यू कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल ऑफ योर नीड्स, सो स्टेट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ, ओके, एंड बाद में इट कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। एक बार स्टेट आता है वो तुमको सबको लाइफ वगैरह दिलवा देता है अच्छी, बाद में वो अच्छी लाइफ के लिए आगे काम करते रहते। यही स्टेटमेंट्स अपने को बस घुमाने फिराने आ गए, ओके। और क्या एक स्टेटमेंट बचा है, स्टेट इज हाइएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन। तो वो बोलता है फैमिली एसोसिएशन है, विलेज एसोसिएशन है, बट हाइएस्ट कौन सी एसोसिएशन रहेगी हर बार, स्टेट की एसोसिएशन रहेगी। और उसका ये भी बोलना है, ओके, कि इसीलिए, ओके, हर एक के नीड जो है वो सिर्फ स्टेट ही फुलफिल कर सकता है, एंड वन पर्सन और अ पर्सन हु कैन लिव विदाउट स्टेट इज ईदर बीस्ट, मतलब या तो वो जानवर है पक्का, या फिर वो गॉड है। तो ऐसे ही दो लोग हैं वो विदाउट स्टेट रह सकते हैं, ऐसा उसका स्टेटमेंट है। लिखो, तो स्टेटमेंट लिखा है हमने, मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। इसमें अगर आंसर लिखेंगे तो अबाव स्टेटमेंट शोज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट फॉर द मैन, importance of state for the man. ठीक है, according to Aristotle, nature has created man in such a way that it becomes essential for him to live under the state, hence he calls man as political animal. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ से, इन एंशियंट ग्रीस देयर वर टू पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। One sophist and two Socratic. Aristotle belonged to Socratic tradition. And challenge the sophist view of state. But now you must write what is sophist view. Okay, so chahe to sub heading dal do. What was sophist view? They believed that
by man. They believed that state is artificially created by man, and man is prior to state. And man is prior to state. On the other hand, next paragraph mein, ab hum log why se nikal rahe hai, I mean what se nikal rahe hai, aur aage likh rahe hai. On the other hand, Socrates, Plato and Aristotle believed that state is natural and it is prior to man. ठीक है, अब इसमें लिखो हाउ सब क्वेश्चन लिखो, हाउ एरिस्टॉटल इस्टैब्लिशेस दैट स्टेट इज नेचुरल. एक्सक्यूज मी, Aristotle has established origin of state. Aristotle has established origin of state in the needs of man. In the needs of man. According to him, Man is not self-sufficient. Nature has created man in such a manner that he cannot fulfill even his basic needs. His basic needs on his own. So man creates family. Full stop. Family can fulfill some needs but not all. Family can fulfill some needs but not all. So man creates villages. Man creates villages. So family kya fulfill karti hai, uski emotional needs. Okay. विलेजेस क्या फुलफिल करते हैं, उसके बाकी की जो सोशल नीड्स है वो सब. ओके, आगे लिखो, चाहो तो लेफ्ट में डाल दो, वहां पे लिख दो फैमिली इमोशनल एंड विलेजेस जो है वो सोशल नीड्स फुलफिल करता है. क्या लिखा हमने, सो मैन क्रिएट्स विलेजेस, राइट, फुल स्टॉप. विलेज कैन फुलफिल सम नीड्स बट नॉट ऑल. Village can fulfill some needs but not all. Hence state comes into existence. Only
state is capable, only state is capable of fulfilling all the needs of man, fulfilling all the needs of man. All the needs of man. Thus, life of man, in true sense is possible, only because of state. Therefore, he calls state as highest of all associations. Next paragraph says, in other words, state comes into existence for sake of life. State comes into existence for life and continues for the sake of good life. मैंने क्या बोला लास्ट क्या लिखा है गुड लाइफ ऐसा लिखो in the absence of state, man becomes the worst animal. ठीक है Aristotle uses teleological argument that man is destined to live under the state. As he is not capable of fulfilling all his needs. In the words of Aristotle, one who can live without state is either beast or God. But cannot be a man. ठीक है आगे लिखो अब नेक्स्ट पैराग्राफ से Aristotle suggests that chronologically state comes later and man comes first. However, if we apply logic, या ब्रैकेट में लिखा however logically, state is prior to man. State is
prior to man. Because objective of human life is, because objective of human life is to achieve excellence and have good life. Objective of human life is to achieve excellence and good life. His all needs can be satisfied by state only. ठीक है, तो ये उसकी थियरी ऑफ स्टेट है, लेकिन अभी उसमें आगे वो और जाके बोलता है कि थियरी ऑफ स्टेट में स्टेट कैसा होना चाहिए, मतलब व्हाट शुड बी द साइज ऑफ स्टेट, या एग्जैक्टली व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ स्टेट, हाउ, एक सब हेडिंग डाल दो, हाउ अ स्टेट शुड बी, हाउ अ स्टेट शुड बी. सो अब इसका आंसर लिखो, state should be self sufficient and be capable of fulfilling all the needs of man, He suggests state should be of moderate size, and moderate population, full stop. तो इसलिए उसने आगे थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप भी दी हुई है. तो आप लॉजिक समझो, जब भी कोई कुछ थ्योरी दे रहा है तो क्यों देगा, पक्का उसका कुछ ना कुछ आइडिया होगा. उसका क्या बोलना है, एक तो हमने भी देख लिया कि स्टेट, जितने स्टेटमेंट थे तो उन्हीं को सबको घुमा फिरा के लिखा है. तो जब आंसर अपने को लिखना है, बाकी हम लोग कॉमन सेंस से सब कुछ कर सकते हैं. चार पाँच स्टेटमेंट अच्छे से याद कर लो, उन्हीं को बस घुमा फिरा के वापस लिख दो, वही आपका आंसर है. उसका बोलना है कि मैन जो है वो एक पॉलिटिकल एनिमल है, बिकॉज उसकी सारी नीड जो है वो स्टेट ही फुलफिल कर पाता है. टेलियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यूज करता है, वो क्या बोलता है कि जानबूझ के नेचर ने जो है वो आदमी को ऐसा ही बनाया कि उसकी नीड पूरी अकेले की फुलफिल ही नहीं हो सकती है, मतलब स्टेट के अंडर रहना उसकी डेस्टिनी है. समझ रहा है, स्टेट के अंडर रहना उसकी डेस्टिनी है, तो वो डेस्टिनी को उसने फुलफिल करना चाहिए. तो उसके लिए वो बोलता है कि कैसे, वो एक्सप्लेन करता है, वो बोलता है कि सबसे पहले अगर आप देखो तो मैन जो है वो सारे काम खुद कर सकता है क्या, नहीं कर सकता. तो इसके लिए उसको क्या चाहिए, इसके लिए उसको फैमिली चाहिए. फैमिली से उसका इमोशनल रिक्वायरमेंट और थोड़ा बहुत और कोई रिक्वायरमेंट होगा तो वो फुलफिल हो जाता है. फिर उसके बाद में आपको सोशल रिक्वायरमेंट के लिए आपको विलेज चाहिए, बराबर है ना. डांस वांस कर रहे हो, अकेले कर रहे हो, मजा आएगा क्या. फेस्टिवल का मजा कब है, जब अपनों के साथ मनाया जाए, बराबर है. तो अगर सब गांव वाले मिल के सब अगर फेस्टिवल का मजा ले रहे, तो उसमें सोचो होली में तुम खुद ही खुद को कलर लगा रहे हो और हैप्पी होली वगैरह बोले जा रहे हो, यस, तो कैसा लगेगा. तो ऑब्वियसली इसलिए फिर वो बोलता है कि अपने को क्या चाहिए, अपने को विलेजेस चाहिए. बट विलेजेस जो है वो तुम्हारी पॉलिटिकल नीड सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इसलिए तुमको स्टेट चाहिए. तो बोलता है स्टेट, इसीलिए तुम स्टेट के अंडर रहोगे, सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो. और उल्टा जो, बिकॉज स्टेट अगर नहीं है और स्टेट के बगैर अगर तुम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हो, सो मैन बिकम्स द वर्स्ट एनिमल. ठीक है, वैसे स्टेट के साथ भी आज मैन वर्स्ट एनिमल ही है, सारे एनिमल का तो सफाया हो रहा है. तो वो बोलता है कि वर्स्ट एनिमल है मैन. और उसके आगे वो बोलता है कि ईदर अ पर्सन हु कैन लिव विदाउट स्टेट इज ईदर बीस्ट और गॉड, बाकी तो कोई रह नहीं सकता. ऐसे उसने स्टेट का पर्पज ही डिफाइन कर दिया कि ये तो तुमको चाहिए, फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ यू हैव टू हैव दिस स्टेट. फिर बोलता है कि स्टेट कितने साइज का हो, वो एरिस्टोटल है, पहले से ही मॉडरेट चीजों में बिलीव करता है, वो ज्यादा
उसको एक्सट्रीम बड़ी साइज नहीं चाहिए कि अपने को एम्पायर वेम्पायर बना दे, और छोटा भी नहीं चाहिए कि कुछ काम ही नहीं कर सको। उसका बोलना है सेल्फ सफिशियंट रहो बस, ठीक है। बट उसका शिष्य तो एम्पायर बनाने के लिए निकल गया था, अलेक्जेंडर। यस, तो इसको चाहिए कि मॉडरेट साइज का स्टेट हो, सेल्फ सफिशियंट हो, वहाँ के लोग उनकी नीड जो है वो फुलफिल कर सके, उसके बाद स्टेट का काम खत्म, ठीक है। प्लस मॉडरेट पॉपुलेशन भी हो, मॉडरेट पॉपुलेशन क्यों, बिकॉज अगर पॉपुलेशन बढ़ गई तो उनकी फिर आपकी जो भी नीड्स है वो भी तो सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। और स्टेट किस लिए आया है, गुड लाइफ के लिए आया। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो गुड लाइफ प्रोवाइड करवा पाओगे क्या? नहीं, तो कहीं ना कहीं स्टेट का पर्पज़ भी फेल होगा। दैट इज़ वाई ही सेज मॉडरेट पॉपुलेशन होनी चाहिए। ओके, अब अगला आर्ग्यूमेंट जो है वो अब स्टेट की थियोरी में ही दे रहा है वो, बट अब वो फिलोसोफर किंग को क्रिटिसाइज करके उसकी स्टेट की थियोरी दे रहा है। तो अभी उसने एक रफ, हमने उसकी थियोरी ऑफ स्टेट देखी, अब वो कैसे, मतलब स्टेट का नेचर वगैरह कैसा होना चाहिए, अथॉरिटी स्टेट की कैसी होनी चाहिए, उस पर वो देता है। तो वो बोलता है कि अथॉरिटी ऑफ स्टेट, ओके, अथॉरिटी ऑफ स्टेट्समैन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अथॉरिटी ऑफ मास्टर, ठीक है। अथॉरिटी ऑफ स्टेट्समैन इज डिफरेंट देन दैट ऑफ मास्टर। तो बोलता है मास्टर का काम अलग है और एक स्टेट्समैन का काम अलग है। स्टेट्समैन का काम है कि एकदम स्टेट को अच्छे से चलाए, वो उसका डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है उसको ठीक से संभाले, ये काम स्टेट्समैन का है। तो स्टेट्समैन ने वो करना चाहिए, ना कि तुम लोग एज अ कोई तो मास्टर के अथॉरिटी पे काम कर रहे हो। वो किसके कंटेक्स्ट में बोलता है अगेन, सो दिस इज इन कंटेक्स्ट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ फिलोसोफर किंग। तो उसका बोलना है कि फिलोसोफर किंग को प्लेटो ने कैसे प्रेजेंट किया है। तो बोलता है कि इट इज जस्ट लाइक यू नो, बाकी सब लोग फैमिली के मेंबर्स हैं, और उसमें जैसे फैमिली में, ओके, फैमिली में फादर का अनक्वेश्चनेबल ओबीडियंस होता है, बराबर है ना, उन्होंने कुछ बोल दिया तो हाँ ठीक है कर देंगे, इतना ही बोला जाता है, क्यों करना है क्या है, ज्यादा कोई पूछता उछता नहीं है। तो इसका भी बोलना है कि तुमने जो स्टेट में फिलोसोफर किंग को पावर दी है, सो इट इज लाइक अनक्वेश्चनेबल ओबीडियंस, इससे एक्सेलेंस प्रमोट नहीं होगा। वो बोलता है हमको डेलिब्रेशन में बिलीव करना चाहिए, एटलीस्ट डिबेट तो करो कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। वो बोलता है कि प्लेटो ने जो बनाया है, ओके, तो वो बोलता है कि प्लेटो के हिसाब से जो स्टेट बना हुआ है इट इज नथिंग बट अ फैमिली। प्लेटो के हिसाब से स्टेट इज नथिंग बट अ फैमिली, और फैमिली का हेड किंग कौन है, हेड कौन है, फिलोसोफर किंग। जैसे फैमिली में फादर है, तो जैसे फादर को पावर्स मिलते हैं अपने फैमिली में कि कोई अनक्वेश्चनेबल ओबीडियंस, जितने भी बच्चे हैं या इंक्लूडिंग मदर, सब लोग जो फादर बोलेंगे वो करेंगे, वैसे ही फिलोसोफर किंग भी जो बोलेगा वो सारे स्टेट के लोगों को करना होगा। वो बोलना है कि ये तो मास्टर की अथॉरिटी हो गई, मास्टर की अथॉरिटी हो गई, तुमको स्टेट्समैन चाहिए, मतलब थोड़ा थिंकिंग करने वाले लोग चाहिए। तो इसलिए वो इसको क्रिटिसाइज करता है। वो बोलता है कि स्टेट जो है, जो तुमने बोला था कि इट इज इक्वल टू फैमिली, दैट इज नॉट द केस, एक्चुअली इट इज फैमिली ऑफ फैमिलीज। मतलब हर तरफ इनका फादर वगैरह है, और ये जो हेड ऑफ द फैमिलीज है, ये सब आके साथ में डेलिब्रेट करे, और उसके बाद में जो है वो स्टेट को अच्छे से रन करे। तो एक्चुअली ही इज प्रोपोनेंट ऑफ पार्टिसिपेटिव एंड डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। तो बोलता है सब आओ बात बात करो, उसके बाद में डिसाइड करो, बिकॉज ही यूज टू बिलीव इन रूल ऑफ लॉ, बराबर। सो दैट इज हाउ ही सेज दैट अथॉरिटी ऑफ स्टेट्समैन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अथॉरिटी इन फैमिली। समझ में आ रहा है? तो बोला है स्टेट जो है इट इज फैमिली ऑफ फैमिलीज, एंड दिस पीपल शुड कम टूगेदर, दे शुड डेलिबरेट, दे शुड पार्टिसिपेट, एंड देन डिवाइस द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस। ओके, तो ये वाला अगर स्टेटमेंट ऐसे आ जाए, अथॉरिटी ऑफ स्टेट्समैन इज डिफरेंट, तो देखो अब थियरी ऑफ स्टेट में ही उसके दो स्टेटमेंट आ सकते हैं। एक तो जो हमने चार पांच देखे जिसमें वो स्टेट का सिग्निफिकेंस बता रहा है कि स्टेट एग्जैक्टली कैसे आया, और दूसरा ये जो प्लेटो के क्रिटिसिज्म में लिखो। अथॉरिटी ऑफ स्टेट्समैन, अथॉरिटी ऑफ स्टेट्समैन, सब हेडिंग नहीं, क्वेश्चन है। अथॉरिटी ऑफ स्टेट्समैन इज डिफरेंट फ्रॉम अथॉरिटी ऑफ, इज डिफरेंट फ्रॉम अथॉरिटी ऑफ मास्टर्स।
In above statement, context समझ में आ गया ना, वो क्या कर रहा है statement में, criticize कर रहा है Plato को, चाहो तो one third place में लिख लो इस question का, या हमेशा जब भी आप statement पढ़ते हो, तो सबसे पहले उसका सोचो कि उसका crux क्या है, उसका context क्या है, क्या पूछना चाहता है, तो ऐसे statement आने पे इसमें से पहले ही आप derive कर सकते हो कि उसका क्या करना है, प्लेटो को क्रिटिसाइज करना है. सो कंटेक्स्ट क्या है, इट इज क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोस फिलोसोफर की. ठीक है, तो लेफ्ट में लिख लो अपने वन थर्ड प्लेस में, देयर कंटेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म ऑफ फिलोसोफर किंग. अब इसमें प्रॉपर आंसर लिखो. इन अबाव स्टेटमेंट एरिस्टॉटल हु इज नॉट ओनली ग्रेटेस्ट disciple of Plato, but biggest critic of Plato, comma, criticizes Plato's understanding of state. Plato's understanding of state. तो देखो हमने क्या किया है इसमें, हर बार UPSC में अच्छे अच्छे adjectives ढूंढने की कोशिश करो. जैसे Aristotle को अपने को थोड़े adjectives देने, तो हमने Aristotle के लिए adjective क्या देके रखे हैं, कि he was not only greatest disciple but also biggest critic. तो actual में ये statement नहीं डाला तो भी कुछ missing नहीं रहेगा, क्योंकि एक्चुअल में फर्स्ट स्टेटमेंट तुम्हारी सिर्फ इतनी भी बन सकती है कि इन अबाव स्टेटमेंट एरिस्टॉटल क्रिटिसाइजेस प्लेटोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट, सिर्फ इतना लिखा तो भी चल जाएगा, समझ में आ रहा है. बट जब आप ऐसे एडजेक्टिव स्टेटमेंट्स जब लगाते हो तो अगले वाले को समझ में आता है कि तुम और ज्यादा समझ के लिख रहे हो उसको, या तुमको एरिस्टॉटल या फिर प्लेटो समझ में आता है इसलिए तुम ऐसा लिख रहे हो. तो गांधी सिर्फ लिखना नहीं चाहिए, अगर कहीं पे कोई आंसर वगैरह लिख रहे हो या ऐसे वगैरह लिख रहे हो, खास करके ऐसे में तो ये टेक्निक यूज ही करनी चाहिए जो मैंने इस बार यूज की है और उसके वजह से अच्छे मार्क्स भी आए हैं, फिर कि गांधी सिर्फ नहीं लिखना है तो फादर ऑफ नेशन गांधी तो कैसा है, उसमें कुछ तो हैवी वेट दिखता है आपको, एक एडजेक्टिव दिखता है. जब आप प्लेटो की बात कर रहे हो तो अगेन उसमें एथेंस का एंशियंट ग्रीक थिंकर या फिर कौन था वो, कि ही फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, ऐसे आप अगर उससे बात करो तो फिर थोड़ा अच्छा लगता है, समझ में आ रहे हो, इसलिए मैंने आपको ऐसा लिखा है. आगे लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ से, प्लेटो कंसीडर्स नहीं, ठीक है, प्लेटो कंसीडर्स के अगर थोड़ी सी आगे जगह हो तो इतना डाल दो फिर. अकॉर्डिंग टू अरिस्टॉटल Plato considered state as a big family. According to Aristotle, Plato considered state as a big family. Philosopher king is head of family. He enjoyed absolute authority over children. All members in state have to implement the order of philosopher king. All members in state have to implement the orders of philosopher king. Just like
Children have to show, just like children have to show, inverted quotes में लिखो, unquestionable obedience towards authority of father in family. All members in state have to implement the orders of philosopher king, comma, just like children have to show unquestionable obedience towards authority of father in family. ठीक है, like the members of family. क्या हुआ, वापस रिपीट करना है क्या? तो फिर खुसुर फुसुर क्यों कर रहे हो, सीधा बोलो ना, मुंह पे बोलो ना. जस्ट लाइक चिल्ड्रन हैव टू शो अनक्वेश्चनेबल ओबीडियंस टूवर्ड्स अथॉरिटी ऑफ फादर इन फैमिली. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ से, लाइक द मेंबर्स ऑफ फैमिली कॉमा, प्लेटो एक्सपेक्ट सिटीजन्स टू सैक्रिफाइस देयर इंटरेस्ट. Citizens to sacrifice their interest for the sake of Plato, philosopher king, for the sake of Pilo, philosopher king. Philosopher king. Plato expects citizens to sacrifice their interest for the sake of philosopher king. And the other members of state. तो family में okay, एक ethical principle है, आगे आप लोग पक्का इसके बारे में सीखोगे, वो है altruism. ठीक है, आगे इसको देखोगे आप लोग. Altruism मतलब क्या होता है? परोपकार. Family में हम लोग क्या करते हैं कि समझो अगर कोई छोटा भाई बहन वगैरह पढ़ाई कर रहा है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर ज्यादा खर्चा वगैरह ना करें. ठीक है, या फिर किसी के पास में ऑप्शन था कि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस ले या फिर बीएससी में एडमिशन ले ले, तो अगर वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता तो ज़्यादा खर्चा होता, तो उसको पता था कि अभी ये नहीं कर सकते, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि पापा के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए, या फिर मेरे एजुकेशन की वजह से जो छोटा भाई बहन है जिसको नीट की एग्ज़ाम देनी है तो एटलीस्ट उसके लिए फिर मैं ऐसा कुछ कर दूँ, तो फिर एटलीस्ट उसका नीट का फीस वगैरह भरा जा सकता है ताकि मैं अभी भी ऐसी कर लेता हूँ, फिर मैं और कुछ कर लूँगा. सो फैमिली में अल्ट्रोइज्म चलता है, परोपकार चलता है, या फिर फादर जो है वो कंटिन्यूसली दिन भर कमाते रहता है, क्यों? बिकॉज तुम लोग अच्छे से रह सको, तुम्हारे एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए. या तुम सोचो तुमको रोज सुबह उठ के हर अगर रोज बोला जा रहा है कि तुमको रोज खाना बनाना है, तुमको रोज सफाई वगैरह करके रखनी है, रोज जब बाकी के घर के मेंबर्स आ रहे हैं तो उनको सारी चीज़ें उनके जगह पे वगैरह मिले. ठीक है, तो ये एक इंसान को विदाउट पेमेंट कैसे कोई कर सकता है, बट वो मदर हर बार ये काम कर रही होती है. व्हाई? बिकॉज फैमिली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रोइज्म. उसका मानना है कि ठीक है दिन भर बच्चे पढ़ाई करके आ रहे, शाम को आए तो एटलीस्ट उनको उनका बेड वगैरह जो है वो ठीक से मिले, घर आ रहे तो उनके कपड़े धुले हुए मिले, ठीक है, तो एटलीस्ट ये सब मिले. या अगेन उनका पति अगर आ रहा है तो उसके कपड़े प्रेस किए हुए मिले, बर्तन धोए हुए मिले, सफाई हो गई हुई मिले. ये जो है वो अल्ट्रोइज्म के प्रिंसिपल पे काम करता है और उसके एवज में पैसा कुछ नहीं मिलने वाला है, बाकी 2000 बातें जो सुनाओगे वो अलग. ठीक है, तो इट ऑल वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रोइज्म. तो वो बोलता है कि फैमिली जो है ओके, तो वहां पे आप लोग हर बार अल्ट्रोइज्म चाहते हो, तो वो अल्ट्रोइज्म के प्रिंसिपल पे आप लोग स्टेट को नहीं चलवा सकते हो. कि इसीलिए तो वो बोल रहा है ना कि यू शुड okay, for the interest of philosopher king, or I would say for the interest of state, okay, Plato क्या कर रहा है, तुम्हारे खुद के family needs और property needs खत्म कर दे रहा है. Why? So that state जो है वो efficiently run हो सके. Are you getting my point? Plato क्या करता है, communism of family and communism of property. वो communism of family और property किसके लिए कर रहा है, state के लिए कर रहा है. तो जो philosopher king लिखा है हमने उसके ही bracket में state लिख सकते हो तुम. जस्ट लाइक ओके चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड, या जैसे फैमिली मेंबर जो है वो एक दूसरे के इंटरेस्ट जो है वो सेक्रीफाइस करने के लिए
दूसरे मेंबर का फायदा पहुंचाने के लिए उन लोग ऐसा करते हैं. सो सिमिलरली प्लेटो ऑल्सो एक्सपेक्ट कि स्टेट में भी ऐसा ही हो कि इंडिविजुअल जो है वो अपने इंटरेस्ट जो है वो सेक्रीफाइस कर दे फॉर द सेक ऑफ स्टेट. समझ में आ रहा है? तो वो इंटरेस्ट क्या है? तो हैविंग अ प्राइवेट फैमिली, हैविंग अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको वो क्रिटिसाइज कर रहा है. आगे लिखो. In the words of Aristotle, Plato does not make difference between personal and political. Plato does not make difference between personal and political. ये inverted quotes में statement आना चाहिए था. Plato does not make difference between personal and political. Full stop. In other words, Plato sacrifices personal for the sake of political. Personal for the sake of political. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ से ये स्टेटमेंट का मीनिंग समझा क्या? प्लेटो डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन पर्सनल एंड पॉलिटिकल. फैमिली जो है वो क्या है? पर्सनल चीज है. उसको भी वो पॉलिटिकल बना रहा है, उसमें भी वो पॉलिटिक्स को लेके आ रहा है. वो बोल रहा है कि फैमिली ही हटा दो एक अच्छा पॉलिटिक्स रखने के लिए, एक स्टेट को अच्छे से रखने के लिए. तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि एक होता है आपका पब्लिक स्फीयर और एक होता है आपका प्राइवेट स्फीयर. तो प्राइवेट स्फीयर क्या है तुम्हारा? दैट इट इज योर फैमिली वाला स्फीयर. तो या फिर ये पर्सनल स्फीयर है और ये जो है ये पॉलिटिकल स्फीयर है तुम्हारी लाइफ का. तो पब्लिक स्फीयर में तुम लोग इंटरफियर करो, बट पर्सनल स्फीयर में तुम लोगों ने इंटरफियर नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो. अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट स्टेट लेवल cannot be principles of family. ठीक है, state is not a family. बट फैमिली ऑफ फैमिलीज. अंडरलाइन करना है इसको. स्टेट इज नॉट अ फैमिली बट फैमिली ऑफ फैमिलीज. एरिस्टोटल आर्ग्यूज दैट लॉ ऑफ स्टेट law of state should reflect interest of different family. ठीक है, hence The laws governing the state should not be dictated by one person. From top.
rather they should be outcome of deliberation. Rather they should be outcome of deliberation among deliberation matlab charcha, theek hai, deliberation among different citizens, among different citizens representing different families. Outcome of deliberation among the different citizens representing different families. ठीक है. Thus, law of state should be reconciliation among reconciliation. Reconciliation. क्या हो गया? Reconciliation. ठीक है. Reconciliation among conflicting interests. Aristotle suggests to maintain difference between personal and political. Aristotle suggests to maintain difference between personal and political. Full stop. There is no need to sacrifice one for the another. ठीक है. लास्ट पैराग्राफ. Thus, state should not try to achieve excessive unity. Thus, he suggests, ऐसा लिखना था, he मतलब Aristotle. Thus, Aristotle suggests, state should not try to achieve excessive unity rather it should try to achieve unity in diversity. That is why Aristotle proposed that authority of statesmen is different from authority of master. ठीक है. समझ में आया कि कैसे अथॉरिटी ऑफ स्टेट और मास्टर की डिफरेंट होती है. वो बोलता है कि तुमको एक्सेसिव यूनिटी नहीं देखनी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी रखो. यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसे रहेगी? अलग अलग फैमिली के मेंबर्स जो है वो अलग अलग अपने इंटरेस्ट बताते रहेंगे. नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है थियरी ऑफ अल्ट्रोइज्म. बता तो दिया, परोपकार, थियरी ऑफ सिटीजनशिप. सो सिटीजनशिप कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? हाउ डू वी डिफाइन सिटीजनशिप? इन सिंपल वर्ड्स,
इट इज लीगल रिलेशनशिप विद योर स्टेट या योर नेशन. सिटीजनशिप कैसे डिफाइन करता है? इन सिंपल वर्ड, इट इज लीगल रिलेशनशिप विद स्टेट. तो उसमें प्लेटो जो है, प्लेटो ने सिटीजनशिप जो है वो किस किस को दी थी? हर एक को दी हुई थी, मतलब वुमन वगैरह वगैरह सबको दी हुई थी. लेकिन यहाँ पे ओके, एरिस्टोटल जो है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एरिस्टोटल को क्या चाहिए, कम पॉपुलेशन चाहिए, मॉडरेट साइज भी चाहिए, और इन लोगों ने आके डिलिब्रेशन भी करना है. तो डिलिब्रेशन के लिए फिर उसने सिटीजनशिप की थियरी दी है. तो वो बोलता है सिटीजन्स कौन कौन कहे जाएंगे, किस किस को सिटीजनशिप दी जाएगी या कौन कौन सिटीजन रहेगा. तो बोलता है कि ओनली दोज पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग इन डे टू डे अफेयर ऑफ स्टेट विल बी कॉल्ड एज सिटीजन्स. ओके, विद दिस वील स्टॉप आवर लेक्चर टूडे. ठीक है, कल करते हैं बात सिटीजन पे. थैंक यू.